नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से जैसे मंडे से आप लोगों के लिए डिक्लेयर हो गया था कि आज से आपकी आरआरसी ग्रुप डी की प्रैक्टिस बैच सेट जो स्टार्ट हो रहा है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल फॉर्म में मैं इस बार लेकर आपके लिए नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं इस बार आप लोग को समझाऊंगा, ज्यादा ऑप्शनल फॉर्म में मैं लेकर नहीं आऊंगा। उसके पीछे एक मेन कारण है क्योंकि ऑप्शनल फॉर्म में लिखना बहुत पड़ता है, तो वहां ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ ज्यादा ज्यादा जितना बता सकता हूँ उतना ज्यादा आपको बताऊंगा। सभी लोगों को क्लासेस को शेयर करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आने लगा क्या? ठीक है, सभी लोगों को क्लासेस को शेयर करना है। कमलेश कुमार, रवि जी, कृष्णा कुमार, रिंटू सिंह, संतू रावत, रवि, ओके, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे भाई और ध्यान से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ग्रुप डी लिखा है तो आपके लिए आपका जो आपका सीबीटी टू के एग्जाम है, आपके आरआरबी के और जिनका भी फिफ्थ फेज बचा हुआ है उनके लिए ये नहीं है। ये नाम पढ़ के मत आया करो कि हाँ ग्रुप डी में आए हैं तो यहाँ आरआरबी के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चंस लगभग सेम ही होते हैं, सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। सपना, अनुराग जी, अनुरागी जी, श्याम जी, सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोग क्लासेस को एक बार शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखें ध्यान से सुनिएगा, जितना हम लोग कर सकते हैं, जितने हम लोग पढ़ सकते हैं पॉइंट उतने हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के आपके जो क्वेश्चन है वो मिक्स है, मिक्स मतलब कि आपके इधर उधर एग्जाम से भी आए हुए और आप लोगों के मेरे बनाए हुए क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है कि कौन सा ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, एडमिरल सुशील कुमार द्वारा। अब कुछ भी जानने से पहले पहले उनकी पूरी बातें जान, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर जो किताब लिखी गई थी दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लिखी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से 1998 से 2002 तक भारत के क्या रहे, 2003 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उस दौरान भारत में 1999 का कारगिल वॉर हुआ था और कारगिल वॉर के दौरान ही की सारी जो कहानी लिखी है, ध्यान रखिएगा, जो नौसेना प्रमुख थे एडमिरल सुशील कुमार, दोस्तों 1998 में नौसैनिक अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1998 में ये नौसेना अध्यक्ष बने थे, या नेवल इंडियन नेवी की ये चीफ थे। तो उस समय ये चीफ थे जिस समय कौन सा वॉर हुआ था, 1999 का कारगिल वॉर हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर लिखी हुई किताब है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसने लिखी है, ये पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार ने लिखी है। ये कब बने थे, 1998 में ये नौसैनिक अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर क्लासेस को शेयर भी करते रहेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुशील कुमार ने लिखी है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार द्वारा लिखित ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर एक मेमोरियल ऑफ ए मिलिट्री चीफ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका 1998 में एडमिरल सुशील कुमार 1998 में क्या बने, ये नेवी चीफ बने थे, एक बात। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग दोस्तों बात करेंगे एडमिरल सुशील कुमार की, तो सुशील कुमार ने अपना जो मेन युद्ध में शामिल हुए थे, तो सबसे पहले ये ऑपरेशन विजय में थे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सबसे पहले जिस ऑपरेशन में, सेना के ऑपरेशन में गए थे, ये ऑपरेशन विजय में गए थे 1961। ये दोस्तों गोवा को लिबरेट कराने के लिए, गोवा को आजाद कराने के लिए, लिबरेशन ऑफ गोवा, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए सबसे पहला जो ऑपरेशन चला था ऑपरेशन विजय था, ये उसमें भी शामिल थे। उसके बाद 1962 के इंडो चाइना वॉर में भी ये थे, इंडो चाइना वॉर में भी थे। फिर 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में थे जिसमें कि जो दोस्तों ताशकंद समझौता हुआ था। उसके बाद 1971 के ये बांग्लादेश वॉर में भी थे जिसमें क्या हुआ था, जिसमें आपका शिमला समझौता हुआ था। और 1999 इनके जीवन का आखिरी वॉर था जो कि कारगिल वॉर था। तो कारगिल वॉर के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके ऊपर लिखी गई है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ये किताब लिखी गई अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बनते हैं। दीपक जी बहुत बहुत नमस्कार, आशीर्वाद वर्मा जी नमस्कार, राकेश पासवान जी बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, तो सभी लोग बेटा क्लास को शेयर करो और मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्रुप डी वाले भी और जिनके आरआरबी के पेपर बचे अभी, क्योंकि फिफ्थ फेज का एग्जाम बचा है, मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 4-5 मार्च से, वो भी ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन बने। अब दोस्तों बात अगर कारगिल की आई है, क्योंकि ये किताब कारगिल के दौरान प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी गई थी, तो कारगिल की बात करेंगे तो कारगिल 1999, ध्यान रखिएगा
कारगिल युद्ध में भी दोस्तों एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर से संबंधित भी था एक बात। दूसरा, उस समय जो भारत के दोस्तों रक्षा मंत्री थे, जो रक्षा मंत्री थे इनके बारे में आ सकता है, जैसे कारगिल के बारे में भी हाल ही में और क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं। तो रक्षा मंत्री थे दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे जिस समय कारगिल का क्या हुआ था। और हुआ एक बात, उस समय नेवी के चीफ कौन थे, तो नेवी के चीफ यही सुशील कुमार जी थे, सुशील कुमार थे, ठीक है। और उस समय दोस्तों जो सेना अध्यक्ष है यानी जो हमारी मिलिट्री के चीफ थे, सेना अध्यक्ष जो थे वो थे जोगिंदर जसवंत सिंह, जोगिंदर जसवंत सिंह, तो इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वोटिंग के लिए। अच्छा श्याम जी आप ही ने मैसेज किया था, हाँ भाई अब मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। चलिए सभी लोग क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे और बातें यहाँ कोई नहीं करेगा। 1999 कारगिल वॉर के दौरान प्रधानमंत्री के ऊपर किताब लिखी गई है, प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर अटल बिहारी वाजपेयी। ऑपरेशन विजय ये भी कारगिल वॉर से संबंधित था। उस समय भारत के सेनाध्यक्ष थे जे जे सिंह, नेवी के चीफ थे सुशील कुमार, और भारत के जो रक्षा मंत्री थे दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं, तो इन चीजों पर ध्यान दिया करिए और आराम से क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा। अगर इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा कौन है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा जो है ये हमारी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की दोस्तों क्या है, चीफ है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो चीफ है वो कौन है दोस्तों, क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा है, एक बात, ठीक है। अगर दोस्तों बात आती है क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा की बात तो हो गई। अगर ध्यान रखिएगा चीफ इकोनॉमिस्ट जो पूछा जाए, अगर चीफ इकोनॉमिस्ट पूछा जाए तो ये कौन है दोस्तों, ये आप लोग बताएंगे कि चीफ इकोनॉमिस्ट जो इंडियन ओरिजिन की है आपकी IMF में बनी है वो कौन है, ठीक है। आप लोगों को उनका नाम बताना है, गीता गोपीनाथ, बिल्कुल, ठीक है। तो पावरफुल क्वेश्चन से शुरुआत हुई है आज। अच्छा सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा कौन है, तो ध्यान से सुनना। मैंने आपको कई बार बोला है कि वर्ल्ड बैंक के बारे में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में और UNO के बारे में क्वेश्चन अभी भी आ रहे थे, अभी भी आए हैं और आगे ग्रुप डी में भी आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा कौन है दोस्तों, क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा IMF की चीफ है। अगर IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम पूछेंगे तो दोस्तों कौन है, गीता गोपीनाथ, कौन है दोस्तों, गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ ये इंडियन ओरिजिन की है, गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट है दोस्तों IMF की, ठीक है। और IMF की चीफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों कौन है, क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा है, ठीक है। चलिए यहां पर दोस्तों क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा के बारे में तो पता चल गया, तो IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष है, बुल्गेरिया की अर्थशास्त्री है। देखो यहां पर एक अच्छा पॉइंट आपके लिए मिला, जैसे अभी हाल ही के एग्जाम में आया था कि UNO के जो चीफ है जिनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस, है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि एंटोनियो ग्यूटेरेस जो है ये किस देश से संबंध रखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये भी आया था कि एंटोनियो ग्यूटेरेस जो कि आपके UNO के चीफ है वो किस देश के है, तो ध्यान रखिएगा वो पुर्तगाली है, पुर्तगाली मतलब पोर्टुगीज। तो हो सकता है क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा के बारे में बाद में क्वेश्चन आए कि क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा जो कि IMF की चीफ है ये किस देश से है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा बल्गेरियाई अर्थशास्त्री है, ठीक है, बल्गेरियाई अर्थशास्त्री है जिनका नाम है क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा, ठीक है। सभी क्लियर है, इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को अपना पद संभाला था IMF के चीफ के रूप में, ठीक है, सभी क्लियर है। हो सकता है एग्जाम में आगे डब्ल्यू आपका ये आएगा, ग्रुप डी में आएगा WTO, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप बताइए क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1995 में बना था और अभी इसकी नई चीफ जो बनी है दोस्तों वो है ओकांजो, आप लोगों ने नाम पढ़ा था एनगोजी ओकांजो, एनगोजी ओकांजो अफ्रीकन मूल की पहली व्यक्ति है या पहली महिला है जो कि WTO की चीफ बनी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, सभी का क्लियर है। अब ध्यान रखिए एग्जाम में और क्वेश्चन आपसे क्या आ सकते हैं, आपसे अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा दोस्तों क्या IMF, ये तो सर बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो आपको हो सकता है ये पूछ ले क्या IBRD, हो सकता है आपसे IDA का चीफ पूछ ले, हो सकता है आपसे दोस्तों IFC का चीफ पूछ ले, हो सकता है आपसे MIGA का चीफ पूछ ले, और हो सकता है आपसे ICSID का चीफ पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं कि आपसे इस प्रकार के चीफ भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा IBRD के जो चीफ है दोस्तों कौन है, सभी लोग बताएंगे। तो देखो अब यहां से होता है पोस्टमार्टम, IBRD के चीफ भी कौन है, डेविड मालपास, कौन है दोस्तों, डेविड मालपास, तो डेविड मालपास आपके IBRD के चीफ हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मेन चीफ माने जाते हैं, ठीक है,
आईडीए की बात करेंगे दोस्तों, तो आप देखिए यहां पोस्टमार्टम जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, जो कि आईएमएफ की चीफ है दोस्तों, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये दोस्तों आईडीए की भी चीफ है, ठीक है, ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की भी चीफ है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग आईएफसी की, मीगा की और आईसीएसआईडी की बात करें, जो कि वर्ल्ड बैंक के समूह है, तो अगर दोस्तों हम लोग आईएफसी की बात करेंगे तो इसके जो चीफ है वो है फिलिप ले, तो इसको ध्यान रखिएगा, फिलिप ले इसके चीफ है, ठीक है। मीगा के चीफ की अगर बात करेंगे दोस्तों, जो इसके है हिरोशी मातानो, इसको कौन है, हिरोशी मातानो, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें एग्जाम में आएंगी, जो पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं सवाल का, वो चीजें एग्जाम में आती ही आती हैं, इस बात पे यकीन मान लो, जो लोग नए हैं वो लोग इस चीज को यकीन मान लेंगे, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे, और इसके बाद देखिए हिरोशी मातानो, ये चीजें एग्जाम में आएंगी, अभी नहीं पढ़ोगे नुकसान अपना करोगे, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ो, ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। हिरोशी मातानो मीगा के चीफ है, और दोस्तों आईसीएसआईडी के जो चीफ है वो है मैग किन्नर, तो किन्नर के नाम से इनको याद कर लो, मैग किन्नर, ये कौन सा कुछ बनाने आने वाले हैं, तो याद रखिएगा। अगर अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा आईएमएफ के चीफ का, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एक हो गया। आरबीआरडी के जो चीफ है वो डेविड मालपास है, इसको ध्यान रखिएगा। आरबीआई के चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, यानी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दो जगह की है, आईएमएफ की भी है और आरडीए की भी है। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन फिलिप ले इसके अध्यक्ष है। मीगा के चीफ हिरोशी मातानो है, और आईसीएसआईडी के चीफ मैग किन्नर है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूं, ये पूरी की पूरी मिलके क्या बनती है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है, मैं आपको बार बार बोलता हूं, वो एग्जाम में ये चीजें आई हैं, ये चीजें एग्जाम में आएंगी, ठीक है, सभी का क्लियर है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, और सभी लोग देखो भैया ध्यान से पढ़ते हो तो फिर क्लास को शेयर करके जाया करो और पढ़ के जाया करो, ठीक है, और लाइक भी ठोक दिया करो यार, है ना, अपना मतलब निकालोगे तो ध्यान रखना तुम्हारा मतलब निकलेगा। तो विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा, विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, जो वर्ल्ड हिंदी डे है, वर्ल्ड हिंदी डे पहली बार मनाया गया था 10 जनवरी 1975 को, और इसको दोस्तों प्रमोट किया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इसको प्रमोट किसने किया था, इसको प्रमोट दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आप लोगों को कई बार ये चीजें बता चुका हूं, अगर भारत में किसी भी प्रकार का विवाद, कोई अच्छा काम हुआ है, अगर 1966 से 1977 और 1980 से 1984 के दौरान अगर कोई भी विवाद हुआ है, कोई भी अच्छा काम हुआ है, बुरा हुआ है, ध्यान रखिएगा उस दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के दो शासन रहे हैं, 66 से 77, 80 से 84, बीच में 84 में इनकी सरकार गिर गई थी। तो 10 जनवरी 1975 को इंदिरा गांधी ने वर्ल्ड हिंदी डे डिक्लेयर करवाया था, जब आपकी विश्व हिंदी दिवस की सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों एक नेशनल हिंदी डे भी आता है, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी आता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है दोस्तों, देखो अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है विश्व हिंदी दिवस, तो आपसे नेशनल हिंदी दिवस भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये मनाया जाता है कब, सभी को पता होगा, 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को इसको डिक्लेयर किया गया था, और हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, कौन सी तारीख को दोस्तों, 14 सितंबर को मनाया जाता है, एक बार। दूसरा, ये दोस्तों किसका क्या क्यों मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा, इसी दिन भारत में जब हमारा देश आजाद हो गया था, तो हिंदी को अधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, तो इसीलिए दोस्तों आपका हिंदी को ही इसमें हिंदी दिवस मनाया गया। दूसरा, जो 14 सितंबर का दिन था, ध्यान रखिएगा, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए या फिर हिंदी को पॉपुलर करने के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था राजेंद्र सिन्हा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजेंद्र सिन्हा ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनवाने में बड़ी मेहनत करी है। तो राजेंद्र सिन्हा जी की जयंती होती है 14 तारीख को, तो राजेंद्र सिन्हा की जयंती के अवसर पर पहली बार 14 सितंबर 1949 को भारत में क्या बना था, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस घोषित किया गया था 1949 में, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, आज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है, बिल्कुल सही है, आज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है, बिल्कुल सही है, इस बात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री से बहुत अच्छे और बहुत जाने माने ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में लोगों को जागरूकता तो होती है लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ध्यान रखिए लोग उनके बारे में पढ़ नहीं पाते क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, ठीक है।
अब ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपकी आरआरबी में भी आए और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आएगा ग्रुप डी में भी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक दल था जो किसने बनाया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। बात बस इतनी है, बात कितनी है, इतनी सी है कि 1938 और 1939 कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए। इन दो अधिवेशनों में एक सेशन हुआ था हरिपुर में और एक सेशन हुआ था आपका त्रिपुरी में। ध्यान रखना दोस्तों, गलत मत करना, त्रिपुरी और त्रिपुरा दोनों अलग अलग होते हैं। त्रिपुरी आपका मध्य प्रदेश में है और त्रिपुरा आपका नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो 1938 में आपका हरिपुर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। एससी बोस जीवन में दो ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, पहली बार 1938 में जब ये बने थे तो जनता ने बहुत मांग करी कि दोबारा इनको बनाओ, लेकिन गांधी जी ने 1939 में मना कर दिया था कि त्रिपुरी सेशन का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस नहीं बनेगा। फिर सुभाष चंद्र बोस उसके बावजूद चुनाव लड़ा, मतलब इनको लड़वाया गया चुनाव, और इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया नाम के कांग्रेस के एक मेंबर थे उनको हरा दिया और त्रिपुरी सेशन के क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया। तो ये दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनना गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, मैं आपको बता दूं, एग्जाम में कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट भी आते हैं। पहला स्टेटमेंट में, सुभाष चंद्र बोस के त्रिपुरी सेशन में जीतने के बाद गांधी जी ने खुद कहा था, ये पट्टा भी सीता रमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है, क्योंकि गांधी जी इनडायरेक्टली सुभाष चंद्र बोस से यहां पर लड़ रहे थे। और इस अधिवेशन से आपका जो ये अधिवेशन था, इस अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के विरोध की वजह से क्या दे दिया था? त्याग। उसके तुरंत बाद कौन सा वर्ष है दोस्तों? 1939। इसके तुरंत बाद ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन के सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने इसी वर्ष कुछ महीने पहले एक पार्टी बनाई थी, कौन सी पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ध्यान रखिएगा, यहां बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक केवल एक बहाना है, बाकी आपको ये सब बताना है। ये दो अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के मेन अधिवेशन थे, इससे इन्होंने त्यागपत्र दिया था और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो आपके पॉइंट बनते हैं वो क्या है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस ने ये जो पार्टी बनाई थी, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास एक जगह थी उन्नाव के पास जगह थी मखराना। तो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939 को किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था और उन्नाव उत्तर प्रदेश में किया था, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका गठन किया गया और गांधी जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का विरोध किया। क्या सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि 1939 में इन्होंने गठन किया और 1945 में ये भारत छोड़ के भाग गए थे। भारत छोड़ के मतलब चले गए थे जर्मनी, वहां पर एक इंडियन आर्मी बनाने चले गए थे, ठीक है, सभी का क्लियर। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम आया किससे? सुभाष चंद्र बोस। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थली कौन सी है? कटक, ठीक है दोस्तों। ये काहे के लिए फेमस हुए? सुभाष चंद्र बोस, भारत में एक पार्टी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, ये स्वराज पार्टी के मेंबर रहे हैं 1923 में, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस 1928 में एक दोस्तों मोतीलाल नेहरू की नेहरू समिति बनी थी, नेहरू कमिटी के भी मेंबर रहे थे, ठीक है। ये दूसरी बात आती है, एग्जाम में ही आएगा, ठीक है। यही सुभाष चंद्र बोस है दोस्तों 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बात। उसके बाद 1943 में जब आपकी आजाद हिंद फौज, यानी कि आपकी इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज जब सामने आई तो आजाद हिंद फौज के नेता भी ये बनाए, ठीक है। आजाद हिंद फौज जो बनाई गई थी दोस्तों, ये सिंगापुर में बनाई गई थी, जहां पर इनको अध्यक्षता मिली थी आपकी आजाद हिंद फौज की, ठीक है, सभी का क्लियर है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों क्लास को शेयर भी करते रहना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आवृत्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? देखो भाई, आवृत्त सारणी के ऊपर, पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैं अलग से एक छोटी सी क्लास लेकर आने वाला हूं, तो एक ही क्लास है, मैं आपको सारी मेन चीजों से बता दूंगा। बाकी अभी देख लीजिए, आवृत्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो सभी को पता है पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन आवृत्त सारणी में पहला तत्व है, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, सभी का क्लियर है। और दोस्तों आता किस ग्रुप में ही? आता एल्केली वाले ग्रुप में ही है, लेकिन उनमें मेटल्स में नहीं है, मेटल्स में तो नहीं आता, ठीक है। उसके बाद
दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है और पहले भी आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं साइंस ज्यादा टफ नहीं आती, साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन चाहे आरआरबी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कुछ भी हो, ये जितने भी जो आपके एग्जाम्स हैं आपके यूपीएससी लेवल को छोड़ के, साइंस के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को बार बार लगाइए, उन्हीं को देखिए और देखिए उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इधर उधर से दिमाग लगा के मैं ये क्वेश्चन लाया, मैं वो क्वेश्चन लाया, अपना नुकसान कर लोगे, बाकी किसी का नुकसान नहीं करोगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, कौन सा दोस्तों, हाइड्रोजन है, सभी को पता है, ठीक। अब सुनना मेरी बात, यहां पे क्वेश्चन आते हैं कि आप आइसोटोप बताइए, हाइड्रोजन के आइसोटोप बताइए या आइसोटोन क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन के दोस्तों आइसोटोप की बात करेंगे तो 1H1, 1H2 और 1H3, ये हाइड्रोजन की क्या है, तीन आइसोटोप होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के जो तीन आइसोटोप है दोस्तों, तो यहां पर आपका पहला कौन सा होता है, देखिए आपका सामने बना हुआ है, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूट्रियम और तीसरा होता है दोस्तों ट्राइटियम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, आपका प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूट्रियम, देखो 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है, क्लियर है। अब एग्जाम में आपसे ये तो क्या है दोस्तों, ये आपके आइसोटोप है, क्या है, आइसोटोप। आज से आप लोगों को सारी पीडीएफ लिंक में मिलेगी, मैं आप लोगों को वादा करता हूं सारी पीडीएफ आप लोगों को लिंक में दिलवा दूंगा, ठीक है, सभी क्लियर है। चलो उसके बाद आइसोटोप क्या होते हैं दोस्तों, आइसोटोप वो होते हैं जब किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होते हैं, एटॉमिक नंबर ए ही रहेंगे लेकिन द्रव्यमान कभी बी हो जा रहे हैं, कभी आपके सी हो जा रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान आपका जो द्रव्यमान होता है वो आपका क्या होता है, वो अलग अलग होते हैं, वो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी का जस्ट उल्टा एग्जाम में आता है आइसोटोन, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दो, आइसोटोन क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जैसे मान लेते हैं ये तो आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो हम एटॉमिक नंबर डिफर कर रहे हैं बाकी आपका एटॉमिक मास क्या है, सेम। तो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान सेम होगा, परमाणु संख्या आपकी अलग अलग होगी, तो आइसोटोन, आइसोटोप आपके परमाणु संख्या आपकी क्या होगी, अलग अलग सेम होगी और आपके परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे, अलग अलग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आइसोटोप आइसोटोन एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं। ये पीरियोडिक टेबल आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी लेकिन ये मैं कल परसों आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, G4, G5, G7, G8 इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। अब एग्जाम में जो आएंगे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके G20 इस बार नहीं पूछा गया कहीं, तो ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि G20 क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, G20 की अगर बात करें तो G20 का सम्मेलन कब हुआ और G20 कब बनी, तो ध्यान रखिएगा G20 की अगर बात करेंगे दोस्तों तो बनी तो ये बहुत पहले थी, इसका पहली बार अस्तित्व सामने आया था 1999 में, ठीक है, पहली बार इसका अस्तित्व सामने आया था 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में, 26 फरवरी 1999 का इसका अस्तित्व सामने आया। और ध्यान रखिएगा G20 है ना, तो ध्यान रखिएगा इसमें टोटल देश कैसे हैं, इस बात पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, G20 में दोस्तों 19 कंट्रीज है, 19 देश है दुनिया भर के विकसित और विकासशील 19 देश है और एक पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है जो एज ए कंट्री शामिल है। तो ध्यान रखिएगा यूरोपियन यूनियन में अभी कितने देश है दोस्तों, 27 देश है, तो अगर कुल देशों की बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 30, 39 और 46, 46 कंट्रीज हैं इस आपके G20 में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे, ठीक है, सभी लोग क्लास को, ऑब्जेक्टिव लाने से मेरे भाई कोई फायदा नहीं है, ऑब्जेक्टिव लाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 46 ध्यान रखिए, G20 में मैं आपको बता तो रहा हूं सारे आपको मेन सारे पॉइंट्स यहां पर लाकर दे रहा हूं तो आप लोग को वही पढ़ना है, ठीक है। तो G20 में टोटल तो देखेंगे दोस्तों 46 देश है, कितने देश है, 46 देश है, 46 कंट्रीज है, ठीक है, और वैसे इसमें 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन है जो कि आपका 27 देश रखता है, ब्रिटेन ने अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता छोड़ दी है, ठीक है। उसके बाद इसका अस्तित्व कब सामने आया, 1999 में सामने आया दोस्तों। ये G20 के बारे में ये पूछा गया है कि भारत किस वर्ष में G20 की मेजबानी करेगा, तो ये बिल्कुल सही है, 2023। भारत को 2022 की मेजबानी दी जा रही थी लेकिन 2022 की भारत को नहीं मिल रही है, भारत को 2023 की मिल रही है क्योंकि 2022 में दोस्तों इंडोनेशिया क्या कर रहा है, इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2023 में G20 का जो होस्टिंग कंट्री है वो कौन सी होने वाली है, आपकी नई दिल्ली होने वाला है, ठीक है, सभी का क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों ये आपका बना कब था, ये आपका 26 सितंबर 1999 में बना था। और अब यहां पे जो क्वेश्चन और आएंगे आपको मैं बताता हूं क्या आ सकते हैं, जैसे
G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ, ध्यान रखिएगा, G20 का पहला सम्मेलन हुआ था 2008 में। कब हुआ था इसका जो मेन औपचारिक सम्मेलन इनका जो हुआ है वो इनका 2008 में आपका यूएसए में हुआ, ठीक है। जो मेन औपचारिक रूप से सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ था, यूएसए में 2008 में, ठीक है, क्लियर है सभी का। अब उसके बाद दोस्तों 2018, 19, 20 जो आ रहे हैं एग्जाम में तो इनके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो G20 2008 कहां हुआ था, यूएसए में हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो सभी लोग हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आशीर्वाद, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड ढूंढने तो एक्सपेक्टेड ढूंढिए, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद 2008 का कहां हुआ था दोस्तों, यूएसए में हुआ था। अब एग्जाम में क्या आ सकता है, 2018 आ सकता है, ठीक है, उसके बाद 2019 आ सकता है, ठीक है, 2020 आ सकता है, 2021 आ सकता है, ठीक है, 2022 आ सकता है, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और 2023 का कहां होने वाला है आपको पता ही चल गया, इंडिया में होने वाला है। तो यहां पर क्वेश्चन जो बनते हैं कि 2022 में आपका कहां होने वाला है, तो ध्यान रखिए दोस्तों 2022 का कहां होने वाला है, इंडोनेशिया में होगा। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि 2022 का इंडिया में होने वाला था लेकिन इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता ले लिया, ठीक है, सभी क्लियर है। 2021 का इस साल का इटली में होने वाला है, कहां पर होने वाला है, इटली में होने वाला है। 2020 का आपका सऊदी अरेबिया में आपका वर्चुअली वो हुआ था, तो 2020 सऊदी अरब था। 2019 और 18 जो था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 2019 का दोस्तों जापान के ओसाका में हुआ था, ठीक है, और 2018 का दोस्तों अर्जेंटीना में इसकी वो होस्टिंग दी गई थी, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये बना कब, पहली बैठक इसी कब हुई, इंडिया ने कभी करी या नहीं करी, इंडिया कब करने जा रहा है, 2023 में इंडिया करने जा रहा है, 2022 में कौन करेगा, इंडोनेशिया करेगा, 2021 में दोस्तों इटली करेगा, 2020 में कर चुका सऊदी अरेबिया, 2019 में जापान के ओसाका, और 2018 में दोस्तों अर्जेंटीना, ठीक है। सभी क्लियर है, सभी का क्लियर है, तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है, क्लास को शेयर करते रहिए, ये बात बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पढ़ाई करनी है, ठीक से पढ़ाई करनी है तो शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, 2008, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा एक लास्ट बात और आपको मैं बता दूं, मारियो ड्रागी, ध्यान रखिएगा, मारियो ड्रागी अभी हाल ही में आपके G20 के आपके मेन चीफ बने हैं, ठीक है, मारियो ड्रागी, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैं इसके बारे में बताता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का कुल सड़क नेटवर्क राष्ट्रीय राजमार्ग को कितना प्रतिशत, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। भारत का टोटल जो सड़क नेटवर्क है वो नेशनल राजमार्गों का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया के टोटल रोड नेटवर्क की अगर हम बात करें तो केवल 2.7, अभी हाल ही के हिसाब से 2.7% ही नेशनल हाईवे है इंडिया में, ठीक है। 2.7% आपके कौन से हाईवे हैं दोस्तों, नेशनल हाईवे इंडिया में, बाकी हमारे देश में मुगल रोड, जीटी रोड ये सब बनी हुई है और कॉमन रोड बनी है, ठीक है। तो भारत में 2.7% नेशनल हाईवे का विस्तार है, और ध्यान रखिएगा इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, इसके बावजूद जो आपका 78.3% आपकी कॉमन रोड है, और इस पे भारत की कुल जनसंख्या का 60% जो पॉपुलेशन है वो इस पे आ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन। और ये जो 2.7% है दोस्तों, ध्यान रखिएगा भारत की कुल जनसंख्या का 40% पॉपुलेशन देश में नेशनल हाईवे का यूज करती है। भारत की कुल जनसंख्या का 40% पॉपुलेशन दोस्तों केवल 2.7% रोड पर यूज किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 78.3% जो रोड है कॉमन रोड, 60% जनसंख्या दिखती है टोटल जो पॉपुलेशन की, और 2.7% नेशनल हाईवे पर 40% पॉपुलेशन दिख रही है इंडिया की, समझे। इससे पता चल रहा है कि इसकी बहुत सारी जरूरत है, किसको, भारत को, ठीक है, सभी का क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को पीडीएफ में यहाँ पर नेशनल हाईवे का पूरा एक डिजिटल मैंने आपको बनाकर दे दिया है, जो आपके नए बने हैं वो आपको दिख जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हो कश्मीर से स्टार्ट हुआ है, श्रीनगर से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो जा रहा है ये पूरा आपका कन्याकुमारी तक जा रहा है, तो ये नया आपका डिजिटल बना हुआ है। जो नेशनल हाईवे 7 था अब वो NH44 हो गया है, तो नए के हिसाब से आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। और अब एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन दोस्तों आता है NHAI का गठन कब हुआ, दूसरा क्वेश्चन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निर्माण कब हुआ, तीसरा क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आ चुका है, फिर आएंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है। इसके बाद भारत में दोस्तों कॉरिडोर परियोजना कब आई या गलियारा परियोजना कब आई, ठीक,
नेक्स्ट, सेतु भारतम योजना का भाई, सॉरी पहले भारतमाला परियोजना देख लो, भारतमाला परियोजना ये कब आई और भारत में सेतु भारतम योजना कब आई, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना एग्जाम में आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, छाप लो इसको अगर आपको एग्जाम ठीक से जीएस का निकालना है तो, नहीं करना तो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनएचएआई देखो, अब यहां से हम निकालते हैं आंसर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था दोस्तों 1988 में, कब हुआ था 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ और 1992 में कार्य शुरू हुआ, ठीक है, चार साल बाद इसका काम शुरू हुआ, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या आ सकता है आपका एग्जाम में, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग विकास जो प्राधिकरण है प्रोजेक्ट है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये दोस्तों स्टार्ट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में 1998, ठीक, इसको ध्यान रखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पहले भी एग्जाम में पूछी गई है और अभी भी एग्जाम में पूछी गई है और फिर आएगी, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दोस्तों आई थी सन 2001 में, कौन से वर्ष में 2001, तो ध्यान रखिएगा 98 और 2001 दोनों अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन है, ठीक है। नेक्स्ट कॉरिडोर परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखिएगा जो संकुल परियोजना थी, जो गलियारा परियोजना थी ये 2006 में आई थी, ये आई थी मनमोहन जी के शासन में, किसके शासन में, मनमोहन जी के, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ दो और पश्चिम भारत को पूर्वी भारत से जोड़ दो तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, उसके बाद दोस्तों भारतमाला प्रोजेक्ट आता है, आकाश आकाश अरे यार बैटरी नहीं चेंज करी क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना दोस्तों आई थी सन 2015 में, भारत में हाईवे का जो विकास विस्तार किया जा रहा था, ठीक है, ठीक है। चलिए एक मिनट के लिए लोग रुक जाइए, आपकी बैटरी चेंज की जा रही है मोबाइल की, वो मोबाइल की कह रहा हूं कैमरे की, चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लेंगे आ जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो गया होगा, चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आ जाएगा, ठीक है, एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लेंगे आ जाएगा भाई, आ गया, सभी को दिखाई दिया, ठीक है, अभी सबको दिखाई दिया, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, अभी सबको दिख रहा होगा, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, भारतमाला परियोजना भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास जो विस्तार था वो था, और सेतु भारतम योजना एग्जाम में आई है और फिर आएगी, 2016 में आई थी सेतु भारतम योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त ध्यान रखना, सेतु भारतम योजना कहती है कि भारत में जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से फ्री करो, जहां रेलवे क्रॉसिंग है और नेशनल हाईवे जा रहा है तो या तो ऊपर से निकालो या ओवरब्रिज या अंडरब्रिज निकालो, तो सेतु भारतम योजना आपकी फ्री रेलवे क्रॉसिंग फ्री जो था, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एनएचएआई एनएचडीपी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर भारतमाला और सेतु भारतम, स्क्रीनशॉट मार लीजिए एग्जाम में आएगा, छाप लीजिएगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय नदी प्रणाली के कितने भाग है, ठीक है, भारतीय नदी प्रणाली के दोस्तों कितने भाग है ये पूछ रहा है, तो देखो अगर हम भारतीय नदी प्रणाली के भाग पूछेंगे तो आपका मैं बताता हूं आपको इंडियन रिवर सिस्टम, तो देखिए भारतीय नदी प्रणाली को अगर आपको तोड़ना है तो देखिए इसको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं या आप इसको इंडियन रिवर सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है, इंडियन रिवर सिस्टम। अब जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसे पढ़ाता हूं, इंडियन रिवर सिस्टम को अगर दोस्तों देखेंगे तो एक आती है आपकी हिमालय की नदियां, ठीक है, हिमालय की नदियों में मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा ये आपके हिमालय की नदियों में जैसे आपकी सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, गंगा है, यमुना है, ये सब दोस्तों किसमें आती है, ये दोस्तों आती है हिमालयन रिवर्स, ठीक है। और एक आती है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां, कौन सी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि आपकी जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों कितने भाग में रखा गया है आपका, ये आपको जो मेन सिस्टम है ये आपका रखा गया है कौन कितने भागों में, ये रखा गया है दोस्तों हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। अब सुनना है सभी को इसके एग्जाम्पल, तो देखो हिमालयन जो रिवर्स है, जो पर्वतीय क्षेत्र की नदियां, जो हमारे हिमालय पर्वत की नदियां हैं, उनमें आता है दोस्तों क्या, इंडस आती है सबसे ऊपर, फिर दोस्तों झेलम आती है, झेलम के बाद आपका चेनाब आती है, चेनाब के बाद रावी आती है, रावी के बाद ब्यास आती है, इस तरीके से ये जो हिमालय की नदियां हैं जैसे गंगा है, यमुना है,
ठीक है, ये सारी नदियां कौन से इलाके में है, ये सारी नदियां आपकी हिमालय क्षेत्र की नदियां, ठीक है, सभी क्लियर है। इवन आप ब्रह्मपुत्रा को भी यही बोलेंगे, ब्रह्मपुत्रा भी आपकी मानसरोवर से निकलती है, तो ये ब्रह्मपुत्रा भी होगी, ठीक है, सभी का क्लियर है। अब जो प्रादीपी नदियां, ध्यान रखिएगा, प्रादीपी नदियों में आपकी कौन सी आती है, आपकी महानदी आती है, महानदी जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, गोदावरी जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, फिर आपकी आती है कृष्णा जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, और एक और आती है कावेरी, कावेरी आपकी कहां से निकलती है दोस्तों, ये कुर्ग कर्नाटक से निकलती है। तो ये मेन नदियां हैं दोस्तों, कहां की, ये मेन नदियां आपकी प्रादीपी नदियां, जो आपकी पश्चिम में भी कुछ बहती हैं और आपकी पूर्व में भी बहती है। पश्चिम में बहने वाली कौन सी है, आपकी नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं, बाकी और भी है, ठीक है, बिल्कुल सही ठीक है। जय श्री राम मेरे दोस्त शिव शंकर त्रिपाठी जी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका नर्मदा ताप्ती के अलावा ध्यान रखना माही भी है, लूनी भी है, ध्यान रखिएगा जो पश्चिम की ओर बहती है, मैं आपको बता दूं माही भी बहती है, लूनी भी बहती है, ठीक है, एक घग्गर है, घाघरा नहीं, घग्गर भी बहती है, ठीक है, तो ये नदियां भी है, और हाँ एक साबरमती भी है, तो ध्यान रखिएगा ये नदियां भी है छोटी नदियों में जो कि पश्चिम की ओर ही बहती है, केवल नर्मदा ताप्ती ही नहीं बहती है, ठीक है, क्लियर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, फिर आएंगे और ये आते रहेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिए यहां पर आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका एमबी का सही पूर्ण क्या है, तो ध्यान रखो एमबी जीबी ये जो आते हैं, एमबी क्या होता है दोस्तों, एमबी आपका मेगाबाइट्स होता है, एक एमबी बराबर कितने बाइट होते हैं दोस्तों, 1024 होते हैं, ध्यान रखिएगा आपके आरआरबी के पेपर में तो पता नहीं कैसे आ गया, लेकिन आपको मैं बताऊं आरआरबी के पेपर की एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, वहां केवल 1000 बाइट लिखे, ठीक है, तो जब वहां ऑप्शन में आपके 800-900 लिखा है तो आपको 1000 पे ही मारना था, क्योंकि उसे नन ऑफ दीज ऑप्शन में था नहीं, तो नन ऑफ दीज है नहीं, तो आपको ओवरऑल ही मारना होगा, ठीक है, क्लियर है। एक जीबी बराबर कितना होता है, 1024 MB होता है, और सीपीयू मेमोरी आपकी रजिस्टर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करें, ठीक, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर इंडस, बिल्कुल सही। नेहा यादव जी पढ़ने आए हैं, आप गुड नाइट करने आए हैं, है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ आपकी जो जो ताप्ती है, ताप्ती आपकी कहां से निकलती है, बैतूल से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आर्म फोर्सेस जो फ्लैग डे है ये दोस्तों मनाया जाता है 7 दिसंबर को, कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि ये तो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे हो गया, अब आपका जो घोषित किया जाएगा कि आपका नौसेना दिवस कब होता है, या नेवी डे कब होता है, या फिर मान लीजिए आर्मी डे, मिलिट्री डे कब होता है, ठीक है, या फिर आपका एयरफोर्स डे कब होता है, तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आया करते हैं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो, क्वेश्चन का अगर आप पोस्टमार्टम नहीं करोगे तो आपको ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ करा दिया, आपने उसका आंसर रट लिया, पीडीएफ पकड़ लिया, कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपका जो एयरफोर्स डे मनाया जाता है दोस्तों कब, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक, नेवी डे दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और आर्मी डे दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, और ये सब एग्जाम में आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये सब एग्जाम में आपको पढ़ने हैं। और नेवी डे जो मनाया जा रहा है वो 1971 से डिक्लेयर किया गया था, जब बांग्लादेश वॉर हुआ था तब हमारी इंडियन नेवी ने बड़ी मेहनत की थी, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आया करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पर मैंने ऐसा बनाया हुआ है, ये मैंने केवल ऐसे देखने के लिए नहीं बनाया, मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में आता है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस में जो उनका सिंबल है उस सिंबल में क्या लिखा, तो देखो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर 2 स्वॉर्ड बनी है, यानी कि आपकी तलवार बनी है, फिर आपका बीच में अशोक की लाट लगी हुई है, और आपका नीचे केंद्रीय सैनिक बोर्ड लिखा है, सेंट्रल जो सैनिक जो बोर्ड है वो लिखा हुआ है, और यहाँ 3 कलर जो कि आपकी हमारे एनसीसी में भी इसी प्रकार के कलर यूज किए जाते हैं, तो ये आपके 3 कलर यूज किए गए। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे सिंबल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे सिंबल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक योजना बड़ी फेमस हुई जिसको हम प्रसाद योजना कहते हैं, कौन सी योजना बोलते हैं, प्रसाद योजना, तो सभी लोग क्लास के बाद शेयर भी करेंगे। बेटा यहां पर ज्योति जी आपको मैं बताऊं, यहां पर दोनों ही प्रकार के लोग हैं, तो मेरे को दोनों बाइलिंगुअल बोलना पड़ता है, ठीक है, चलिए, क्योंकि मेरे को इंग्लिश वालों को भी देखना होता है। चलिए, तो मैं यहां पर क्या बता रहा हूं आपको,
तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक उत्थान अभियान पर राष्ट्रीय मिशन जिसको प्रसाद कहा गया निम्न में से संबंधित है। तो दोस्तों प्रसाद के बारे में क्वेश्चन जो पूछा गया है मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा ये जो प्रसाद योजना है या जो ये प्रसाद आपका जो प्रोजेक्ट है ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी आपके नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था 2014 में। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, बड़ा आसानी से आप याद कर लोगे कि आपका जो प्रसाद योजना शुरू हुई थी ये योजना दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ये 2014 लिखा है, 14 को उल्टा कर दो तो इंडिया में जो रिलीजियस साइट है जो धार्मिक स्थल है टोटल 41 स्थलों को इसमें रखा गया था, टोटल 41 साइट्स को इसमें रखा गया था और 41 साइट्स को पूरी तरीके से क्या करना डेवलप करने के लिए नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये दोस्तों आपका फुल फॉर्म था किसका प्रसाद। तो ध्यान से सुनिएगा नेशनल मिशन ऑन प्रसाद क्या है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये प्रसाद योजना थी जो कि धार्मिक स्थलों के लिए बनाई है और ये 2014 में स्टार्ट की गई, ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि पर्यटन मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया, इसमें आपका चार धाम भी है केदारनाथ बद्रीनाथ ये भी शामिल किए गए, ठीक है तो ध्यान रखिए टोटल 41 स्थलों को इसमें से क्या किया गया। इसमें आपका दोस्तों खजुराहो का इलाका भी है, इसमें आपका वाराणसी का काशी का इलाका भी है, इसमें दोस्तों चारों धाम की यात्राएं भी है, ठीक है तो और अमरनाथ भी इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा ये जो 41 स्थल इसमें संभाले गए हैं वो आपके 2014 में आए थे, ठीक है। इसी तरीके की दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसने एक हृदय योजना भी चलाई थी, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हृदय योजना के बारे में। ये जो हृदय योजना थी ये हेरिटेज के लिए थी, हमारे देश की जो पॉपुलर जो मॉन्यूमेंट्स हैं पॉपुलर जो मूर्तियां हैं जो स्थल है ताजमहल है आपका कुतुब मीनार है उनके लिए हमारी हेरिटेज की सुरक्षा के लिए इनमें हृदय योजना में हेरिटेज सिटीज घोषित किया गया था जिसमें आपका आगरा वाराणसी भी शामिल किया गया था, ठीक है सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा यहां पर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन ये है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी क्या है, ठीक है अभी हाल ही में भारत सरकार ने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लागू की है, तो वो पॉलिसी दोस्तों क्या है आपको ये बताना। तो भारतीय सरकार ने अभी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लागू की है या इसी को बोलते हैं नई शैक्षिक नीति जो लागू की है वो दोस्तों क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में पहले ये बता दूं, ध्यान रखिएगा सबसे पहले 86वां संविधान संशोधन हुआ था 86th Amendment 2002 ये जब आया था तो इसमें बोला गया था दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री कंपल्सरी एंड प्राइमरी नॉलेज निशुल्क अनिवार्य अप्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और ये दोस्तों शिक्षा का अधिकार बनाया गया था 2002 में, ठीक है और दोस्तों ये पारित हुआ था 2010 में, ये हमारे देश के नेता है ठीक है जिन्होंने 8 साल लगा दिए थे, ठीक है तो 2010 में इसको पारित किया गया। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों एक पॉलिसी आई है जिसको नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लाया गया है, तो ये जो थी दोस्तों ध्यान रखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये आपका 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, देखो याद करना बहुत आसान है इसमें 3 साल पीछे कर दो और इसमें 4 साल आगे कर दो तो 3 साल से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या, इसी को बोल रहे हैं क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है और ये दोस्तों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपकी इस पॉलिसी के बारे में क्या है 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत रखा गया, ठीक है तो ये भी दोस्तों किस आर्टिकल में रखा जाएगा, ये रखा जाएगा अब आर्टिकल नंबर 21A में जिसको आप राइट टू एजुकेशन कहते हैं बच्चों के लिए। तो अब वो 6 से 14 की जगह दोस्तों कितना हो जाएगा वो आपका 3 से 6 हो जाएगा और इनका उद्देश्य क्या है 2025 तक पूर्व प्राथमिक यानी कि आपके जो प्री प्राइमरी मतलब कि 1 से 5 से पहले वाले बच्चे उनमें 3 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको उनका डेवलपमेंट करना। जैसे आपने अभी देखा होगा अभी हाल ही में भारत सरकार ने कई ऐसी योजना बनाई है जिसमें कि दोस्तों पढ़ाई लिखाई को इतना आसान किया गया है कि बच्चों को जो उनके वोकल कोर्सेज होते हैं या जो उनके छोटे छोटे कोर्सेज हैं जिससे वो आगे चल के अपने आप को डेवलप कर सके एजुकेशन को थोड़ा सा नीचे करके उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराने पर भारत सरकार ध्यान दे रही है, ठीक है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिस पॉलिसी को भारत सरकार ने अभी हाल ही में लागू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है क्या ध्यान से पढ़िए इसको, COVID-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था,
ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, जैसे ही कोविड 19 शुरू हुआ, कोविड 19 के शुरू होने से पहले यानी कि आपका मार्च 2020 में ही आपके दोस्तों क्या बना था, एक आपका एम्पावर्ड कमिटी बनी थी, एक अधिकारिता समिति बनी थी, जो कि दोस्तों आरएस शर्मा की अध्यक्षता में बनी थी, जो कि पूर्व ट्राई के अध्यक्ष, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत में टेलीकॉम के क्षेत्र में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है, TRAI है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरएस शर्मा की अध्यक्षता में मार्च 2020 में, आरएस शर्मा की अध्यक्षता में जब कोविड का बवाल शुरू ही हुआ था, उसी समय एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, यहां क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, ग्रुप डी का नहीं डाला तो बेटा ध्यान रखिए ग्रुप डी की ही क्लास नहीं है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सभी की क्लास है। तो आर एस शर्मा जी आपके क्या बने थे दोस्तों, ये आर एस शर्मा आपके मार्च 2020 में एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष बने। अब एग्जाम में और क्या आ सकता है, एक ऑपरेशन चला था ऑपरेशन संजीवनी, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये कहीं नहीं आया। ऑपरेशन संजीवनी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2020 में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मालदीव्स, मालदीव्स की मदद करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जो वैक्सीन से रिलेटेड था, मालदीव्स के लिए ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था अप्रैल 2020 में, और ये संजीवनी जो था दोस्तों ये मालदीव्स के लिए चलाया गया, मालदीव्स को मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए, ठीक है। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करते रहो भाई, ठीक है। तो अगर अच्छी क्लासेज आते हैं तो मैं आपको बता दूं आपको क्लास शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं भी छोड़ दूंगा, फिर उस तरीके से आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए या जो आपकी जो जो आपकी चिकित्सीय सुविधाएं थी मालदीव्स को देने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया था, जिसके तहत जब कोविड 19 की दवा का कोई अता पता नहीं था तो वहां पर दोस्तों एंटीवायरल दवा दी जा रही थी, एंटीवायरल दवा वहां के लोगों को भेजी जा रही थी जिसका नाम था लोपिनावीर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा टफ है लेकिन ये आ सकता है, लोपिनावीर, ध्यान रखिएगा लोपिनावीर एक दोस्तों एंटीवायरल दवा है जो कि भारत द्वारा बनाई जाती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा आपका लोपिनावीर नाम की एक आपका बनाया जाता है एंटीवायरल दवा। ये एंटीवायरल दवा बहुत बड़ी खेप में भेजी गई थी मालदीव्स, जो ऑपरेशन संजीवनी के तहत गई थी। तो मालदीव्स की सरकार को, मालदीव्स के लोगों को बचाने के लिए भारत ने एक बार ही नहीं, भारत ने पहले भी बहुत सारी मदद की है, जैसे ऑपरेशन नील, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस प्रकार के ऑपरेशन भारत में बहुत चले हैं। मैं आपको बता दूं ऑपरेशन नील और ऑपरेशन करके बहुत सारे ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाए हैं, ऑपरेशन नील चलाया है, जब 2004 में सुनामी का बवाल हुआ था तब भी भारत सरकार ने इनकी मदद की थी। तो इस तरीके से भारत ऑपरेशन नीर के नाम से जो स्वच्छ जल भेजता है मालदीव, ये ऑपरेशन नीर बोला गया था। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहां पर क्वेश्चन आपको मैं बता दूं यहां पर क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर हमें देना ही नहीं है, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन कभी आ सकता है। तो देखो भाई, अगर हम ग्लैंड की बात करें, अगर हम ग्रंथियों की बात करें, तो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं वो दोस्तों वैसे तो दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, कौन सा ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन। तो सामान्यतः हमारे शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को पूरा देखते हैं, जिसको खाना खाना है वो खाना खाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर किसकी बात करेंगे, हम लोग यहां पर ग्रंथियों की, तो मैं आपको इनके बारे में बता दूं, देखिए ये आपके कौन से क्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन, और एक होते हैं दोस्तों एक्सोक्राइन, कौन सा क्राइन, एक्सोक्राइन। तो ध्यान रखिएगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में फर्क क्या, पहले ये जान लो, अंतःस्रावी ग्रंथियां दोस्तों वो होती हैं जिन ग्रंथियों के पास नलिकाएं नहीं होती हैं, इनके पास कोई ट्यूब्स नहीं होते हार्मोन्स को छोड़ने के लिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों के जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये डायरेक्टली जाके आपके ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड में मिलकर ये आपके शरीर में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये डायरेक्ट ब्लड से जुड़े होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो दोस्तों आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो भी हैं इनके पास हार्मोन नलिकाएं होती हैं या वाहिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो इनके पास दोस्तों ट्यूबुल्स होते हैं या ट्यूब होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सा है, देखो यहां पर आपका आता है दोस्तों सबसे पहले कौन सा,
पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी, जो कि आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। एक स्फेनोइड नाम की हड्डी होती है, उसके जस्ट पीछे गड्ढे में ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मास्टर ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा, यहां से दोस्तों आपके दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोक्सिन, मेन हार्मोन की बात बता रहे हैं, ऑक्सीटोक्सिन, और एक निकलता है दोस्तों आपका एडीएच, जिसको आप वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, भले ही क्लास में टाइम लगता है लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो आते हैं उस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए। तो मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीटोक्सिन जो हार्मोन होता है ये मिल्क ग्लैंड बोला जाता है, और ये फीमेल्स में एक्टिव होता है, ठीक है। जो आपका एडीएच हार्मोन होता है या वैसोप्रेसिन होता है, ध्यान रखिएगा, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, वैसोप्रेसिन हार्मोन को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमारे शरीर में पानी की कमी होती है या पानी हमारा यूरिन बन के निकलने वाला होता है, तो ये एडीएच क्या करता है? ये पानी सोखता है बॉडी में, यानी कि जो पानी यूरिन के रूप में बाहर निकलने वाला था तो एडीएच उसको क्या कर लेता है? सोख लेता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन काम नहीं करेगा तो आपके बॉडी का जितना भी पानी है वो सारा का सारा बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपका एक एसटीएच हार्मोन भी छोड़ता है, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। और ध्यान रखिएगा, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के बारे में मैं आपको बता दूं, सोमैटोट्रॉपिक जो हार्मोन है ये कई प्रकार की, ध्यान रखिएगा, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन एसटीएच है, और एसटीएच के बारे में ध्यान रखिएगा, इससे एक बीमारी होती है, अगर ये हार्मोन कम निकला तो बौनापन हो जाएगा, ठीक है, जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये आपका भीमकाय शरीर यानी जायजेंटिज्म हो जाता है, यानी शरीर बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, समझ में, ठीक है। और एक और होता है, ध्यान रखिएगा, जब ये अनयूजुअल तरीके से एक बॉडी का विकास हो जाने के बाद अगर रुक गया और फिर ये तेजी से निकलता है तो ये बहुत भद्य शरीर का निर्माण भी करता है। तो जनरली आप ध्यान रखिएगा, आपका बौनापन और भीमकाय जो बीमारियां हैं किससे होती है? एसटीएच से होती है। पीनियल ग्लैंड के बारे में देख लीजिए, थाइमस ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, थाइमस ग्लैंड बच्चों में होता है और ये आपकी युवावस्था यानी यौनावस्था तक आते आते, यूथ एज तक आते आते ये रहता है। और ये जो दोस्तों थाइमस ग्लैंड होता है, जिसको हम थाइमस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, थाइमस ग्लैंड मेन काम क्या करता है? इसे टी सेल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका जो थाइमस ग्लैंड है ये आपके जस्ट चेस्ट पे होता है, और थाइमस ग्लैंड ये आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट मैंने आपको पहले भी बताए हैं, आपके डब्ल्यूबीसी का हिस्सा होता है, तो ये लिम्फोसाइट से निर्माण करता है। या मान लीजिए थाइमस ग्लैंड आपकी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, लेकिन तब तक जब तक बच्चा युवा नहीं हो रहा। पूरे ग्रंथियों में केवल एक ग्रंथि है जो बड़े होने के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाती है, ठीक है, ये अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ये ओवरी है दोस्तों, यहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। ये मतलब बेस का टेस्टिस है, जहां से आपका टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। एड्रिनल ग्लैंड से दोस्तों एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जिसको आप क्या बोलते हो? फ्राइट, फ्लाइट ऑफ फाइट, यानी ट्रिपल एफ कहते हैं। पैनक्रियास से दोस्तों इंसुलिन निकलता है, जो कि आपकी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, ये आपके थायराइड ग्लैंड होते हैं, जो कि गॉटर से बचाते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा माँ के पेट की नाभि, बच्चे के पेट की नाभि से जुड़ी होती है गर्भाशय में, तो माँ जो खाती है बच्चे को वही मिलता है, ठीक है, तो वो आपका गर्भाशय होता है, ठीक है। सभी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी लोग क्लास में शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है, ठीक है। तो शिव शंकर जी यहां पर पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो सभी लोग क्लास में एक बार शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्वार्फिज्म और जर्नलिज्म बिल्कुल सही, ठीक है, इश्फाक बिल्कुल सही। आप ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है ऐसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो देखो भाई, आहार नाल की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर हम एलिमेंट्री, इनको छोड़ दीजिए, अगर आप एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, जिसको पढ़ना है वो 9:30 या 12 बजे भी पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है दोस्तों? ध्यान सुनिए, मुंह से लेकर आपके एनस तक यानी गुदा द्वार तक जितना भी हिस्सा डाइजेशन में प्रयोग होता है वो सारा क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है दोस्तों? ध्यान रखिए, एलिमेंट्री कैनाल आपका आहार नाल बोला जाता है।
तो एलिमेंट्री कैनाल की जो टोटल लंबाई होती है वो लगभग 209 मीटर होती है, ठीक है, 9 मीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। मुंह से शुरू होता है, गुदा तक जाके ये क्या होता है, खत्म होता है। और जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है दोस्तों, अगर एलिमेंट्री कैनाल को फीट में ले लेंगे तो लगभग 30 फीट का होता है, 9 मीटर का होता है। अब इसमें शुरुआत होती है कहां से, शुरुआत होती है आपके मुंह से, कहां से होती है, मुंह से। मुंह के बाद यहां क्या आता है दोस्तों, मुंह के बाद आपका ग्रास नली आती है, यानी कि ईसोफेगस आता है, क्या आता है, ईसोफेगस आता है। फिर डाइजेशन में प्रयोग होता है स्टोमक, क्या यूज होता है दोस्तों, स्टोमक। और फिर यूज होता है इंटेस्टाइन, यानी कि आपकी जो आते हैं पहले स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल और लार्ज। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपकी काहे में आता है, ये आपके आहार नाल में या फिर आपके किस में आता है दोस्तों, ये आपके आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल में और लास्ट आता है गुदा। तो देखिए क्वेश्चन कितने एग्जाम में आते हैं, जैसे ईसोफेगस की लंबाई पूछते हैं आपसे, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ध्यान रखिए 9 मीटर आपका एलिमेंट्री कैनाल है, जिनमें से अकेला जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि आपकी जो छोटी आंत है अकेले वही होती है लगभग कितने मीटर की, 7 मीटर की, ठीक है। तो 7 मीटर लंबाई तो अकेले किसकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो क्वेश्चन आता है एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी मोटाई कम होती है लेकिन लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, सभी क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन का आता है, ईसोफेगस का पूछा जाता है, तो ये होती है लगभग 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि लंबी आंत जो होती है या बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत की टोटल लंबाई होती है 1.5 मीटर, कितने मीटर, 1.5 मीटर। तो इनको ध्यान रखिए, ठीक है, तो ये आपके लिए पॉइंट भी लिखे हुए हैं। पाचन तंत्र का सहायक मुंह, ग्रसनी यानी कि ईसोफेगस, फिर आपका पेट, छोटी और बड़ी आंत और मलाशय और गुदा, क्लियर हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। सहायक पद के संबंध में ध्यान रखिएगा, इसको लिख लिया होगा सभी ने, एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लंबाई 9 मीटर है, ठीक है, ठीक है, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे भाई, ठीक है, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर आपका, ईसोफेगस यानी ग्रास नली 25, स्मॉल 7, लार्ज आपकी 1.5, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर और क्वेश्चन भी क्या बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन बनते हैं जो सहायक के रूप में आपके डाइजेशन में काम करते हैं। तो दोस्तों लार की ग्रंथि, सभी को पता है मुंह में लार ग्रंथि होती है, तो लार ग्रंथि आपकी लार निकालती है, जिससे कि दोस्तों क्या निकलता है, जिससे कि आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर आपका यकृत यानी कि लीवर हो जाता है, लीवर भी सहायक के रूप में काम करता है। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो बाइल जूस है यहां बनता है और यहां पर स्टोर होता है। उसके बाद अग्नाशय यानी कि दोस्तों क्या होता है, पैंक्रियास होता है, और पैंक्रियास के जस्ट नीचे ही क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो पैंक्रियास यानी कि आपका अग्नाशय जो इंसुलिन हार्मोन छोड़ता है, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो ये आपका फिगर भी बना हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, जैसे देखिए आपका यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर आपका माउथ, सेलेवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टोमक, पैंक्रियास, ये आपका गॉल ब्लैडर, लीवर और ड्यूडेनम, ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं, आप तब क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, और आता कुछ है नहीं उसमें से, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया भाई मोहित जी, अंदर से कितने गंदे होते हैं इंसान, बिल्कुल अंदर से बहुत गंदे होते हैं, ठीक है। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉड होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर छोटी मतलब पतली होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बहुत होती है, लार्ज की लंबाई बहुत छोटी होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से एक जो प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, बस सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपको मैं बता दूं, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो सभी को पता है ये आपके उसमें भी आया था क्वेश्चन, आपके आरआरबी में कई बार आया है, फोटोसिंथेसिस है क्या, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्लांट्स द्वारा यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का प्रयोग करके आपके जो पेड़ है वो क्या करते हैं दोस्तों, वो आपके क्या करते हैं, वो आपको ऑक्सीजन का निर्माण करके छोड़ते हैं और वो अपने लिए एनर्जी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है दोस्तों, उनकी जो पत्तियां होती है वो हरे कलर की होती है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, ये एक प्रकार का पिगमेंट, प्लांट में पाया जाने वाला एक प्रकार का पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। प्लांट में एंथोसायनिन भी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है, प्लांट में आपका क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिन प्लांट में क्लोरोफिल होता है उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और बाकी मैं आपको अभी आगे बता रहा हूं, एंथोसायनिन अगर पाया जाएगा आपके प्लांट में तो वहां कलर क्या होगा, कैरोटीनॉइड अगर पाया जाएगा तो प्लांट का कलर कैसा होगा, वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए फीफा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन अभी लास्ट के एग्जाम से बहुत आए हैं,
और ये आगे भी आएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए बना लिया है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करो भाई, ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो उनकी ईमानदारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2019 जीता था? तो 2019 किसने जीता? अमेरिका ने, और होस्ट कंट्री कौन था दोस्तों? फ्रांस था, ठीक है, होस्ट कंट्री कौन था? फ्रांस। अब यहां पर क्वेश्चन आपका आएगा क्या, क्वेश्चन आपका आएगा आपका जो क्वेश्चन आगे आता है, फीफा का गठन कब हुआ? ध्यान रखिएगा, फीफा का गठन कब हुआ था? फीफा का गठन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1904 में हुआ, ठीक है। फीफा का गठन कब हुआ? 1904 में हुआ, ठीक है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। 211 जो इसके मेंबर टीमें हैं, 211 है, ठीक है, सभी का क्लियर है। तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन फीफा के बारे में, आगे जियांटिनी इन्फेंटिनो का नाम पढ़ लीजिएगा, वो उसके चीफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान क्या, जो यूएस डॉलर है ये हमेशा से सबसे आगे रहा, यूएस डॉलर इक्वल्स टू 73.22 इंडियन रुपी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर एक यूरो की बात करेंगे तो एक यूरो बराबर है 87.77 रुपए, ये भी ज्यादा, ये ज्यादा है किससे? डॉलर से। लेकिन ध्यान रखना जो दोस्तों डॉलर है, डॉलर ये केवल कहां का है? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो आपका यूरो है दोस्तों, ये यूरोप के 19 देशों की कलेक्टिव करेंसी है। तो अगर सामूहिक रूप से देखें तो ये कमजोर हुआ किससे? डॉलर से, क्योंकि ये एक देश की है और ये कितने देशों की? 19 देशों की। यूरोप के 19 देश मिलकर एक करेंसी चलाते हैं, कौन सी? यूरो करेंसी। और ये 19 देश जो है दोस्तों, ये यूरोपियन यूनियन में आते हैं। किसमें आते हैं? यूरोपियन यूनियन, यानी कि आपका यूरोपियन संघ में आते हैं। और इस यूरोपियन संघ में दोस्तों कितने देश है? 27 देश है। कितने देश है? 27। यूरोपियन संघ के 27 देशों में से 19 देश ही ऐसे हैं जो कि आपकी कौन सी करेंसी चलाते हैं दोस्तों? यूरो करेंसी, या यूरो जोन में आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो ऑक्सीटोक्सिन के बारे में पूछ रहा है, ये हार्मोन क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो हार्मोन है, अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीटोक्सिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, जो एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होता है फीमेल ग्लैंड के रूप में, यानी कि फीमेल के मिल्क ग्लैंड के रूप में। तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से प्रेरक होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं ये बात, आप लोगों ने ये नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र में पढ़ा होगा। तंत्रिका तंत्र में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो अग्रभाग होता है या अग्र मस्तिष्क होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है, यहां पर एक पार्ट होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो कि ग्रंथियों से स्राव करवाता है, ठीक है दोस्तों। ये ग्रंथियों से क्या करवाता है? स्राव करवाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ग्रंथियों से सेक्रेशन कराने का, जो हार्मोन सेक्रेशन कराने का काम है, किसका है दोस्तों? हाइपोथैलेमस का होता है। तो ऑक्सीटोक्सिन उसी की उत्तेजना से पैदा होता है, ठीक है, सभी का क्लियर है। तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। निकलता कहां से? सभी को बताया पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपको पहले भी बताया था, पीयूष ग्रंथि आप लोगों को बताई थी, ठीक है, पीयूष ग्रंथि ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मछली में हड्डियां, आंखें और सिर नहीं होते? तो यहां पर मैं निम्नलिखित, वो तो क्वेश्चन ऐसा लिख गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी ऐसी फिशेस है, बहुत सारी दोस्तों ऐसी फिशेस है जो फिश नहीं है लेकिन फिश बोली जाती है, और बहुत सारी ऐसी फिशेस है जो फिश नहीं बोली जाती है लेकिन फिश, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कौन सी ऐसी मछली है जिसमें हड्डियां, आंखें या सिर नहीं होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आंसर आपका क्या है दोस्तों? जेलीफिश। अब सुनना मेरी बात, ठीक है, जेलीफिश की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये मछली नहीं है, ये अकशेरुकी जीव है, अकशेरुकी, या इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों हम लोग इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं दोस्तों? इनवर्टिब्रेट वो जीव होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो जेलीफिश है, इस जेलीफिश की जो फैमिली है, एग्जाम में पूछी जाती है, जेलीफिश दोस्तों आती है सिलेंट्रेटा में आती है। किसमें आती है? सिलेंट्रेटा वर्ग में आती है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो सिलेंट्रेटा वर्ग है दोस्तों, इसी को बोलते हैं क्या, इसी सिलेंट्रेटा वर्ग को बोलते हैं, इसी में आपका हाइड्रा भी आता है। कभी आपने नाम सुना होगा हाइड्रा का, तो हाइड्रा या जेलीफिश दोनों दोस्तों सिलेंट्रेटा वर्ग में आती है, जो कि अकशेरुकी वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके आई स्पॉट भी होते हैं, स्टोमक पाउच भी होता है, गोनाड्स यानी कि प्रजनन अंग होते हैं, मुंह भी होता है, हुड भी होता है, और ये सारी चीज होती है, लेकिन इसके पास
आंखें क्या है, आंखें देख रहे, आंखें मतलब ये अपने टेंटिकल से समझता है कि इसके पास कोई आ रहा है, ठीक है। तो हड्डियां आंखें और क्या नहीं होता है इनके, हड्डियां आंखें और सिर नहीं होता है, ठीक है। ये अकशेरुकी की वर्ग में आते हैं। अब यहां पर एग्जाम में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं। देखो जैसे कि आपको एग्जाम में आता है दोस्तों एक स्टार फिश, ये भी एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन आता है ये मछली किस वर्ग में आती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों आपको डेविल फिश, एक पूछी जाती है डेविल फिश, ये किस वर्ग में आती है ये पूछी जाती है, या ये मछली कौन सी है। एक आती है दोस्तों कटल फिश, कौन सी फिश आती है, एक कटल फिश पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी फिशेज नहीं है, ठीक है, ये सारी फिशेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक मछली होती है इसको तो प्रॉन यानी कि झींगा मछली, ये भी आपकी किसमें नहीं आती, ये भी आपकी मछलियों में नहीं आती, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका एक आती है शेल फिश, SHELL FISH, शेल फिश। और फिर आपका आता है दोस्तों एक आती है क्रे फिश, CRAY FISH। अब मैं आपको बता दूं ये सारी मैंने मछलियां लिखी हैं लेकिन एक भी मछली नहीं है। जैसे जो दोस्तों स्टार फिश है, कौन सी है, जो स्टार फिश तारा मछली होती है, इसके परिवार का नाम होता है इकाइनोडर्मेटा। क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा होता है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा जीव जो होते हैं ये भी अकशेरुकी वर्ग है और आपका स्टार फिश इसमें आता है। डेविल फिश ध्यान रखिएगा दोस्तों ऑक्टोपस को कहते हैं, कैसे बोलते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। और ये आपका आता है मोलस्कन वर्ग में, मोलस्का वो वर्ग होता है जिनके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत पाई जाती है ऑक्टोपस को छोड़ के। कटल फिश ध्यान रखिएगा ये दोस्तों सीपिया को बोलते हैं और सीपिया भी एक ऐसा जीव है जो किसमें ही आता है, मोलस्का में ही आता है। प्रॉन के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको झींगा मछली कहते हैं और ये आपके आर्थ्रोपोडा वर्ग में आती है। कौन से वर्ग में आती है, आर्थ्रोपोडा वर्ग में, जिसमें की कीट वर्ग है, ठीक है, तो इसमें आती है। दोस्तों शेलफिश की बात करें, शेलफिश और आपका जो क्रेफिश है, तो ध्यान रखिएगा जो आपका शेलफिश है ये भी आपकी कौन से वर्ग में आती है, मोलस्कन वर्ग में आती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की परत रखती है। और जो क्रेफिश है दोस्तों ये आपका फिर से आर्थ्रोपोडा में आता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये चीजें एग्जाम पूछी जाती है। ये वो जीव है जो फिशेज बोले जाते हैं लेकिन दोस्तों ये क्या नहीं होते, ये फिशेज नहीं होते, ठीक है। सभी को क्लियर है, तो सभी लोग ऑक्टोपस बेटा बताया ना, ऑक्टोपस बेटा मोलस्का में आता है, सामने लिखा हुआ है, देखो ऑक्टोपस किस में आता है, मोलस्कन वर्ग में आता है, मोलस्का वर्ग, लेकिन इसके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत नहीं होती है, ठीक है। सभी का क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में पूछा गया, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। तो कहते हैं कि परमाणु भौतिकी का जनक किसको बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको बोला जाता है दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को बोला जाता है, जिनका रदरफोर्ड मॉडल भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड जिन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मी आधे जीवन की अवधारणा की खोज की और विभिन्न तत्वों में अल्फा और बीटा विकिरणों को क्या किया, साबित किया, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कार्लिनियस रदरफोर्ड ऐसे करके क्वेश्चन आया करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको बोला था विच पिगमेंट कॉसेस फ्लावर्स टू हैव डिफरेंट कलर्स, जो आपके जो फूल होते हैं उनके अलग अलग कलर किस लिए होते हैं, तो किस वर्णक के कारण फूलों के अलग अलग रंग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों वो आपका जो पिगमेंट है वो एंथोसाइनिन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैंने आपको भी क्लोरोफिल बताया, जिन पेड़ों में क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है उनकी पत्तियां कैसी होती है, पत्तियां उनकी ग्रीन होती है, ठीक है। अगर हम बात करें फूलों की दोस्तों, तो फूलों की बात करेंगे तो एंथोसाइनिन पाया जाता है और ये जो एंथोसाइनिन जो आपका पिगमेंट है यानी कि जो आपका वर्णक है दोस्तों, ये एंथोसाइनिन जो है ये रेड ब्लू पर्पल कलर के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। रेड ब्लू पर्पल कलर के लिए क्या है, उत्तरदायी है, ठीक है। तो इस प्रकार के कलर जो आपके आते हैं वो आपके एंथोसाइनिन की वजह से आते हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को। और ध्यान रखिएगा ये हायर ग्रुप में होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका जो एक और वर्णक होता है इसको बोलते हैं कैरोटीनॉइड, क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड कहते हैं। कैरोटीनॉइड के बारे में भी एग्जाम में आया, देखो क्लोरोफिल तो पत्तियों के लिए हो गया, एंथोसाइनिन आपका रेड ब्लू और पर्पल कलर के फ्लावर्स के लिए हो गया। अगर आपका कैरोटीनॉइड के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा रेड येलो या रेडिश येलो या फिर ऑरेंज कलर, जैसे मेरा कलर है, इस कलर के जो फूल होते हैं दोस्तों ये आपके आते हैं किसकी वजह से, कैरोटीनॉइड की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, कैरोटीनॉइड की वजह से आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाद में कभी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है दोस्तों नींबू, देखा नींबू, नींबू का कलर जो पीला होता है ना वो होता है फ्लेवोनॉइड,
फ्लेवोनॉइड नाम का एक वर्णक होता है, फ्लेवोनॉइड नाम का एक आपका पिगमेंट होता है प्लांट्स में, जो कि जनरली दोस्तों वो लेमन्स और ग्रेप फ्रूट का जो पीला कलर है, येलो कलर जो है, या आपका लेमन्स का, नींबू का, और आपका जो ग्रेप फ्रूट होते हैं यानी आपके जो अंगूर होते हैं उनका जो येलो कलर है आपका फ्लेवोनॉइड की वजह से। तो देखो कितना बताया, क्लोरोफिल आपका ग्रीन कलर पत्तियों में, एंथोसाइनिन रेड ब्लू पर्पल कलर, कैरोटीनॉइड रेड येलो ऑरेंज कलर, और फ्लेवोनॉइड जो है वो आपके नींबू और आपके जो संतरे हैं, नींबू है और आपके जो ग्रेप्स हैं उनके येलोइश कलर के लिए होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2018 किसने जीता था? ध्यान रखिएगा, साहित्य के आपके क्वेश्चन, साहित्य के और आपके क्वेश्चन आते हैं किससे? आपके क्वेश्चन आते हैं वहां से, क्या बोलते हैं, शांति से। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, शांति का नोबेल पुरस्कार पहला किसको मिला था? तो हेनरी ड्यूरेंट को मिला था, जिसने इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछा गया। ठीक है, साहित्य नोबेल पुरस्कार 2018 किसने जीता था दोस्तों? किसने? ओल्गा टोकरीयुक को जीता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2018 में नोबेल पुरस्कार जो साहित्य का मिला वो ओल्गा टोकरीयुक को मिला था, जो कि एक कथात्मक कल्पना के लिए इनको दिया गया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन बहुत आता है। अभी एक क्वेश्चन आपके पहले भी एग्जाम में आया था, मैं आपको बता दूं, 1953 का जो साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला था ये किसको मिला था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया था, और ये मिला था दोस्तों विंस्टन चर्चिल को। ये विंस्टन चर्चिल कौन है? तो आपको मैं बता दूं, विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये बंदा ब्रिटेन का पीएम था। ये ब्रिटिश पीएम रह चुका है 1940 से 45। तो ये ब्रिटिश पीएम रहा है विंस्टन चर्चिल, 1953 में इसको साहित्य के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विंस्टन चर्चिल, कभी आपने नाम सुना होगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यही था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते ये भी हट गए थे अपने पद से। फिर 51 से 55 ये फिर बना था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने कभी नाम सुना होगा कनॉट पैलेस का, जिसको हम लोग सीपी कहते हैं, दिल्ली में, दिल्ली का सबसे पॉश इलाका। कनॉट पैलेस का जो निर्माण हुआ था, विंस्टन चर्चिल का सगा चाचा, विंस्टन चर्चिल का सगा चाचा जो था वो आपका कनॉट पैलेस की स्थापना करने आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, आज आपके लिए साइंस क्वेश्चन कम है, तो आइजैक न्यूटन ने की थी, ये सभी को पता है। तो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी ये यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अभी आपके आरआरबी में भी आया था, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन बना रहा हूं जो क्वेश्चन आरआरबी में आए हैं, जो आगे चल के आ सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे। ठीक है, यहां पर लड़ाई धड़ाई मत करो। ठीक है, चलिए, गीतांजलि देखो डांट रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग शांति के नोबेल प्राइज की बात करें तो ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, पहले पूछा गया था। सबसे पहला शांति का जो नोबेल अवार्ड मिला था, फर्स्ट शांति का नोबेल अवार्ड जो मिला था वो किसको मिला था? ध्यान रखिएगा, हेनरी ड्यूरेंट को मिला था। ठीक है, हेनरी ड्यूरेंट को मिला था, और ये हेनरी ड्यूरेंट कौन है बताएं? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडर है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो थी, जिसने की दोस्तों क्या किया था, जिसने की जो कि पूरी दुनिया में मानवीय लोगों की रक्षा करने के लिए, इंसानों की रक्षा करने के लिए, उनको दिक्कतों से बचाने के लिए क्या करती है, काम करती है। तो हेनरी ड्यूरेंट दोस्तों रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक था, जिसको सबसे पहला नोबेल अवार्ड मिला था पीस का, इसको ध्यान रखिए। दूसरा, इसकी जो रेड क्रॉस सोसाइटी थी, उसकी रेड क्रॉस सोसाइटी को भी दोस्तों 3 बार नोबेल अवार्ड मिल चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर क्वेश्चन आया, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च से लेकर आपकी कौन सी मार्च, 16 दिसंबर 1971 के बीच में हुई। ठीक है, ध्यान रखिए, ये औपचारिक दिन है टोटल। ठीक है, 26 मार्च को डिक्लेरेशन हुआ था, और लास्ट साइन जो हुआ था दोस्तों वो आपका 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। ठीक है, इसी पे आपकी एक मूवी बनी थी न्यूक्लियर अटैक के ऊपर, तो 16 दिसंबर 1971 को अंतिम साइन हुए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करो भाई, ना क्लास को शेयर नहीं करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही शिव चाहता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो विंस्टन चर्चिल ने ही क्या किया था दोस्तों? विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को बोला था क्या, अर्धनग्न फकीर बोला था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये 26 मार्च को डिक्लेयर हुआ था, पाकिस्तान हार गया था, और 16 दिसंबर को साइन। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है,
बांग्लादेश वॉर के दौरान भारत की राष्ट्राध्यक्ष और आपकी पाकिस्तान की राष्ट्राध्यक्ष कौन थी? ध्यान रखिएगा 1971 के दौरान मैंने आपको पहले भी बोला था इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की राष्ट्राध्यक्ष थी, मतलब कि आपके राष्ट्राध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री थी, और जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष थे वो कौन है? जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो चीफ ऑफ क्या पाकिस्तान, ठीक है, एक बात। दूसरा दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आता है बांग्लादेश की स्वतंत्रता 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने घोषित की थी, ध्यान रखिएगा शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की सरकार ने और बांग्लादेश की संसद ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि लिख के दी है, ठीक है, एक बार। दूसरा ये मुजीबुर रहमान जो है दोस्तों ये शेख हसीना बांग्लादेश की राष्ट्राध्यक्ष है, आपने इनका नाम सुना होगा, शेख हसीना के पप्पा है, ठीक है, ये पप्पा है। और इसी समय जो आपके पाकिस्तान बांग्लादेश में एक और घोषणा 27 मार्च 1931 को शेख मुजीबुर रहमान की ओर से मेजर जियाउर रहमान ने की, ध्यान रखिएगा इनका नाम मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये आपके जो पाकिस्तान के एक आपके जो आर्मी ऑफिसर थे जियाउर रहमान, ये वही है दोस्तों जिन्होंने सलाह दी थी किसको बनने की, सार्क का गठन, ध्यान रखिएगा दक्षेस का गठन करने की सलाह किसने दी थी, जियाउर रहमान ने दी। तो इनका नाम भी ध्यान रखिए, बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं शेख जियाउर रहमान, जियाउर रहमान ने ही सार्क को बनाने का पहली बार क्या दिया था, सुझाव दिया था, ठीक है, क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे इधर उधर से लिया क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, चले तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे, ठीक है। हाँ मुजीबुर रहमान, बिल्कुल सही मुजीबुर रहमान, दोस्तों आदर लीजिए, बच्चे कम है, आपको पढ़ना है कि आपको बच्चे देखने, बताइए बच्चे आप देख रहे हैं कि आप पढ़ाई करने आए, मेरे को ये नहीं समझ आता है ना, ऐसा लगता है जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं केवल ये देख रहे हैं किसके में ज्यादा किसके में कमा रहे हैं, बेटा जिंदगी भर देखती रह जाओगे पढ़ती रह जाओगे होगा कुछ नहीं, तो इससे अच्छा है जितने पढ़ रहे हैं उतने पढ़ो, है ना, और जितने नहीं पढ़ रहे ना पढ़ो, ठीक है, भाग जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से, यहाँ पर मैं आपको चिकनी चिपड़ी नहीं कर पाऊंगा, साफ सी बात, मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा बेटा मेरे पढ़ो बेटा भगवा पढ़ो, है ना, तो पढ़ना पढ़ो नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप ये मत देखिए कितने आ रहे, ये देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नहीं यार, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वरना ऐसे ही बैठे रह जाओगे, है ना, चलिए क्लास ही देखते रहोगे। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या रहा है, आपका एमएस कार्यालय का हिस्सा, तो मैं आपको बता दूं एमएस के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, एमएस पार्ट ऑफ एमएस जो आते हैं, एमएस ऑफिस होता है, तो एमएस ऑफिस में दोस्तों एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस आउटलुक आता है, एमएस एक्सेस आता है, और भी होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया करते हैं एमएस ऑफिस के संबंध में। तो एमएस ऑफिस में जो 5 मेन है वो आपके ही है, ठीक है, सभी अग्रिय है, तो इनको ध्यान रखा करिए, ठीक है। ये आपका एमएस वर्ड स्किल्स इंक्लूड जो पेज सेटअप होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है, एडिटिंग होता है, वो दोस्तों एमएस वर्ड से होता है, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट होती है, वर्कबुक होता है, फॉर्मूला होता है, एमएस पावर पॉइंट दोस्तों प्रेजेंटेशन डिजाइन होती है, एमएस आउटलुक नेविगेशन के लिए होता है, ठीक है, तो इनको ध्यान रखा करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन किससे शुरू हुआ, तो ध्यान रखिए ये गलत दिया हुआ है, भारत का पहला जो राष्ट्रीय आंदोलन था, मैं आपको बता दूं भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को बोला जाता है, ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन किसको बोला जाता है, स्वदेशी आंदोलन को बोला जाता है, जो कि दोस्तों आपका कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत में क्या किया था, पहला स्वदेशी आंदोलन चलाया था 1905 में, जो कि बहुत बार इस बार की शीट में सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अच्छा आज क्वेश्चन था, अच्छा ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी आंदोलन ध्यान रखिए कांग्रेस का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, और ये बंगाल पार्टीशन के विरोध में हुआ था, बंगाल पार्टीशन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आए हैं, बंगाल पार्टीशन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, बंगाल पार्टीशन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन चला, कब तक चला था दोस्तों, 1911 तक चला था, 1911 तक चला, ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन को खत्म करवाने कौन आया था, जॉर्ज पंचम आए थे, जॉर्ज पंचम ने आकर बंगाल विभाजन 1911 में क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था, इसको ध्यान रखिए दोस्तों, ये वही जॉर्ज पंचम है जिन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता घोषित की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इरिडा के बारे में पूछा है, तो ये आपका क्या है, ये दोस्तों आपका जो इरिडा है, ध्यान रखिएगा ये आपकी क्या है, ये आपका इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं किसको, इरिडा को, और इरिडा जो है दोस्तों आपको कब स्थापित की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में स्थापित की गई थी 1999 में, ठीक है। एक इरिडा से क्वेश्चन बहुत आता है और एक आपका ट्राई से भी क्वेश्चन आते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको ध्यान रखा करिए, ये क्वेश्चन अभी हाल के एग्जामों में थोड़ा कम आए लेकिन ये आएंगे, ठीक है।
ऑप्शन में बॉम्बे नहीं था, ठीक है मैं आपको देख के बता दूं, लेकिन यहाँ बेटा आंसर तो स्वदेशी आंदोलन है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका जो इरडा है, इरडा आपका 1999 में बना था, और ये दोस्तों क्या, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ध्यान रखिएगा, बीमा के संबंध में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी इंडिया में नियामक बनाई गई थी, जो रेगुलेटरी बनाई गई थी, वो कौन बनाई गई थी, इरडा। अब ध्यान रखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में आरबीआई किसकी नियामक है, भारत में सेबी किसकी नियामक है, और भारत में इरडा किसकी नियामक है, और भारत में ट्राई किसकी नियामक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे, ठीक है। तो भारत में टेलीकॉम की जो नियामक है दोस्तों, वो आपकी क्या है, टेलीकॉम की नियामक कौन है, आपकी ट्राई है। बीमा नियामक जो है वो कौन है, बीमा की रेगुलेटर आपकी इरडा है। बाजार नियामक जो है, मार्केट रेगुलेटर कौन है, आपकी सेबी है। और ये आपका क्या है, आरबीआई, जो सबके बाप है आरबीआई। आरबीआई क्या है दोस्तों, मुद्रा का संचालन, ठीक है, और बैंकिंग रूल्स को बनाने का काम किसका है, बैंकिंग रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करती है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, यह भी नहीं पूछा गया था, ये पूछा जा चुका है, ये भी पूछा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आपका भारतीय बीमा, इंडियन रेगुलेटरी विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपका इरडा है, और इरडा के बारे में ध्यान रखिए, एक ऐसी एजेंसी है जो कि भारत सरकार के एक प्राधिकरण के रूप में काम करती है, ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। तो देखो भैया, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर अलग हुआ है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया, और दोस्तों लद्दाख क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है भाई, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया, तो मनोज सिन्हा जी क्या है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपसे लद्दाख का पूछ ले, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है भाई, आरके माथुर, ठीक है, आरके माथुर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है किसके, लद्दाख के। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि अभी हाल ही में कौन सा यूनियन टेरिटरी है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पद त्याग किया है, और अब वहां पर क्या है, अब वहां पर आपका प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है, ठीक है, आप लोगों को यह बताना है, ठीक है, आप लोगों को यह बताना है, ठीक है। हाँ, हिल्टन यंग आयोग रचना गुप्ता, बिल्कुल सही है, इसी का आपको पूछा गया था एग्जाम में, मतलब हिल्टन यंग कमेटी के आधार पर, हिल्टन यंग कमेटी के आधार पर आरबीआई का गठन हुआ था। हाँ, तो जम्मू कश्मीर के दोस्तों कौन है, मनोज सिन्हा है, लद्दाख के कौन है, आरके माथुर है। हो सकता है एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ जाए, श्रीनगर हाईकोर्ट की जो आपकी जो मेन मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, इनके बारे में आप लोग बताएंगे कि श्रीनगर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, गीता मित्तल है, कौन है, गीता मित्तल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी महिला हाईकोर्ट न्यायाधीश बनी है आपकी श्रीनगर की, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी आपका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर में इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया था, मनोज सिन्हा को, और उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा, ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने त्यागपत्र दिया था, तब आपके कौन बने थे, मनोज सिन्हा जी बने थे, 1985 बैच, ये छोड़ दो, ठीक है, ये आपके लिए, ठीक है, सभी का क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी आपको ये बताना था, क्या आपको ये बताना था कि आपको कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने त्यागपत्र दे दिया था, और अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं वहां पे, और वहां पर अभी सरकार भी गिरी है, ठीक है, तो अभी सरकार जो गिरी है, ध्यान रखिएगा, पांडिचेरी, बिल्कुल सही है, क्या बात है, श्याम जी प्रिंस यूवी, राहुल आर कुमार, श्याम जी गीतांजलि, आयुष शुक्ला, सभी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ श्याम जी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, पांडिचेरी सभी लोगों को पता होगा, पांडिचेरी की जो अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर थी कौन भाई, वो थी आपकी वो आईपीएस अधिकारी, क्या नाम था उनका, किरण बेदी जी, किरण बेदी जी का त्यागपत्र हो गया था, और अभी हाल ही में जो आपके नारायण स्वामी जो वहां के आपके मुख्यमंत्री थे, उनका त्यागपत्र हो गया, तो वहां पर क्या हुआ, वो पद से हट गए, और पांडिचेरी में अभी सातवीं बार, पांडिचेरी में इतिहास में सातवीं बार क्या लगा है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है, तो पांडिचेरी में सातवीं बार प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता में के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखो, अरे अच्छा, ध्यान रखो, देखो ये क्वेश्चन शायद आपका आरआरबी में भी कहीं आया हुआ था, मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कैसे को मारा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता का जनक किसे माना जाता है, देखो आपको मैंने बताया था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ध्यान रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, यहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1773 से ले लो रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1793, 1813, 1833, 1833, 1793, और फिर आपका 1853, ये आपके चार्टर एक्ट था, फिर 1858 से 1919 तक, 58, 61,
1892, 1999 और 1919 ये आपके इंडियन काउंसिल एक्ट थे, और आखिरी अधिनियम जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1909 में आया था, और ये पहला एक्ट है जिसमें पहली बार भारत में मुस्लिमों को या किसी भी अल्पसंख्यक को भारत में आरक्षण दिया गया। तो भारत में जो धर्म के आधार पर, जो कम्युनिटी के आधार पर जो आरक्षण, यानी कि आपके जो जो आपको रिजर्वेशन दिया गया था, वो किसमें दिया गया था दोस्तों, 1909 में, और किसी को लॉर्ड मिंटो के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं मिंटो बॉर्नेस सुधार। याद करिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो सभी लोग दोस्तों एक बार क्लास को, ठीक है, सभी लोग एक बार मार्लो मिंटो नहीं है, मिंटो मार्ले है। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहां पर क्वेश्चन क्या हुआ, यहां पर आपका 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट आरक्षण में आपके आया था मुसलमानों के आरक्षण के लिए, और ये किसने लागू किया था, लॉर्ड मिंटो ने। ध्यान रखना दोस्त, मिंटो मार्ले सुधार इसी को कहते हैं, और जो 1919 वाला एक्ट था, जो 1919 वाला था, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में जरा बता देता हूं। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो का जो 1909 का जो अधिनियम था, जिसको बोलते हैं मिंटो मॉर्ले सुधार, मिंटो मॉर्ले सुधार में कई नियम आए थे। पहली बात तो मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था, मुस्लिम रिजर्वेशन और यहां पर लड़ाने की कोशिश। ठीक है, तो इसीलिए इनको सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं मिंटो। ठीक है, ये दोस्तों वही एक्ट है 1909 का, जिस एक्ट में पहली बार, ध्यान रखिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, पहली बार वॉइसरॉय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें दोस्तों एक इंडियन मेंबर भी रखे गए थे, एसपी सिन्हा। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंडियन मेंबर थे जो कि आपकी कार्यकारिणी परिषद, यानी कि आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किए गए थे, किसकी, वॉइसरॉय की। ठीक है, तो वॉइसरॉय मिंटो के शासन में पहली बार इंडियन शामिल किया गया था, वो थे आपके एसपी सिन्हा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखिएगा एम आर कुमार जी क्या है एलआईसी के अध्यक्ष, और इनके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए ही पॉइंट लिखे गए। तो एम आर कुमार अभी हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के दोस्तों क्या है, अध्यक्ष। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो चेयरपर्सन आपके कौन है, एम आर कुमार है, फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो एसबीआई के अधीन इसको रखती थी, फाउंडेड 1 सितंबर 1956 को इसका गठन हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, मुंबई में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लाते हैं, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन क्यों मैं लाया, क्योंकि एग्जाम में कई बार राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर बोला जाता है सभी लोग एक बार क्लास में भाई शेयर भी कर देंगे ना, तो विकास शुक्ला जी सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। देखो भाई, महिला वर्ल्ड वुमेन्स डे आता है, नेशनल वुमेन्स डे आता है, फिर आपका क्या आया, फिर आपका राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, एक फार्मर्स डे भी है। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है, नेशनल वुमेन फार्मर्स डे, वो दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं आपका किसकी दोस्तों, अगर यहां पर बात करेंगे वुमेन्स डे की या इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आए जाते हैं। जैसे अगर नेशनल फार्मर्स डे की बात करें, किसान दिवस की बात करेंगे, तो किसान दिवस अलग होता है और आपका राष्ट्रीय महिला किसान दिवस अलग। तो फार्मर्स डे जो दोस्तों होता है, कब होता है, 23 दिसंबर को होता है। कौन से दिसंबर, 23 दिसंबर। ठीक है, अब आपका दोस्तों आता है एक वुमेन्स डे आता है, महिला दिवस आता है, ठीक है, और एक आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, और एक होता है नेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। नेशनल वुमेन्स डे जो होता है दोस्तों, ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर। ठीक है, और ये दोस्तों मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 13 फरवरी या 15 फरवरी, मेरे को एक बार इसमें क्लियर कर देना भाई कि ये 13 फरवरी है कि 15 फरवरी है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या बता रहे हो शाक में, अच्छा यार मैंने गीता मित्तल बोल दिया, अच्छा, तो मैं उसे आपको अभी करेक्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल अभी इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये भी पूछा जाता है, और जो नेशनल वुमेन्स डे है ये भी पूछा जाता है। तो ये आपको बताना है कि नेशनल वुमेन्स डे कब होता है और इंटरनेशनल। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे है ये तो सभी को बताया, ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ये तो सभी को बताया, ठीक है। लेकिन आपका जो नेशनल वुमेन्स डे होता है ये कब मनाया जाता है, 15 को या 13 को मनाया जाता है, इसके बारे में मेरे को बताइए। 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी को ही मनाया जाता है, ये मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो देखो इसको छोड़ दो आप, ठीक है, ये तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कभी भी, ये मैं इसलिए ऐसा रख दिया, अगर कभी भी WHO का नाम पूछा जाए या WTO का नाम पूछा जाए या ILO का नाम पूछा जाए, जनरली ये तीन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, W से शुरू हुआ, O पे खत्म हुआ, I से शुरू हुआ, L पे खत्म हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जितने भी है ना दोस्तों, ये सारे के सारे कहां पर है, जिनेवा में है, कहां पर है, जिनेवा में, ठीक है। तो आपका जो WHO का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो UNO के जितना भी आपका है वो आपका दोस्तों न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसके बाद WHO के चीफ कौन है, टेड्रोस अधानोम है, हेडक्वार्टर इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और फाउंडेड इन 7 अप्रैल 1948 को बनी थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। WTO के बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, 1995 में इसका गठन हुआ था, और आपकी एनगोजी उकानसो इसकी चीफ है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। वर्ल्ड बैंक मैंने पहले अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, वर्ल्ड बैंक के जितने भी मुख्यालय हैं दोस्तों वो WDC में है, कहां पर है, WDC में, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक में आपकी IBRD IDA IFC MIGA ICSID सभी के मुख्यालय कहां पर है, WDC में, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं, जिसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोस्तों जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जिसको आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये आते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक, ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर कहां तक, 51 तक, ठीक है, सभी का क्लियर है। 13 फरवरी या 15 फरवरी मेरे को एक बार क्लियर करके बता दो, मेरे को एग्जैक्टली क्लियर नहीं था, ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन क्या आया, WDC ऑफ कोलंबिया, देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, हाँ बेटा ध्यान रखना, दीपक कुमार, वर्ल्ड बैंक केवल ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोलना है, वर्ल्ड बैंक को 1944 में मत बोलना, क्योंकि IDA अलग बनी है, IFC अलग बनी है, MIGA अलग बनी है, और टोटल मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोले जाते हैं, तो IBRD केवल 1944 में बनी है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इकोजी उगांजो इबेला, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सभी लोग क्लास में बस शेयर भी करते रहा करो भाई, है ना, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, आज तो 200 भी नहीं पहुंची क्लास। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 36 से लेकर कहां तक आते हैं, 51 तक आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। दूसरा, अब यहां से क्वेश्चन आया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 क्या है, तो ध्यान रखिए आर्टिकल 43 जो कि किसमें आता है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो ये क्या है, राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में लगे हुए जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, आप प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए काम कर सकते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में लगी हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें जो आपके मजदूर हैं उनके लिए नियम बना सकती है कि वहां पर कितने मजदूर काम करेंगे या कौन से मजदूर बेरोजगार है उनको लाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 43 है। एग्जाम में डायरेक्टिव प्रिंसिपल से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है वो पूछा जाता है कहां से, वो पूछा जाता है आपका आर्टिकल नंबर 40 से, ध्यान रखिएगा। संविधान का आर्टिकल नंबर 39 जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आता है, ये कहता है कि हर राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है, हर स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि अपने राज्य में पंचायतों का गठन करवाए। पंचायतों के गठन करवाने का जो उद्देश्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये किस आर्टिकल में आया, आर्टिकल नंबर 40 में। हर राज्य सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि अपने स्टेट में पंचायत बनाकर उनको भी छोटे स्तर पर क्या दें, काम दे, ये आर्टिकल नंबर 40 में, ठीक है, सभी क्लियर है। इसके बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आर्टिकल नंबर 36, पहला ही है तो ये भी पूछ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 36 कहता है ह्यूमन वेलफेयर, मानव संसाधन, मानव वेलफेयर, ठीक है, तो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन वेलफेयर है जो आर्टिकल नंबर 36 और आर्टिकल नंबर 40, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो हम लोग कुछ गलती करके आए। विटामिन ई 300 है, तो ध्यान रखिए विटामिन ई 300 क्या होता है, मैं आपको बता दूं, विटामिन ई 300 बोलते हैं विटामिन सी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। कभी भी यहां पर दोस्तों विटामिन ई मत समझ लेना, यहां पर क्या लिखा है,
विच विटामिन इज द E300? तो E300 दोस्तों क्या है, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि ये विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से दोस्तों क्या होता है, स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। ये बातें आपको पहले भी पता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। E300 क्या है, ये आपका विटामिन सी है, तो ये विटामिन सी होता है। E300 एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी के लिए रासायनिक नाम है, क्लियर हो गया। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी होती है, ठीक है, सभी का क्लियर, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है। हाँ, आर्टिकल नंबर 32 दो तो फंडामेंटल राइट्स में आता है बेटा, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 किसमें आता है, फंडामेंटल राइट्स में। चलिए, तो ये आपके लिए थोड़ा अलग सा टाइप का क्वेश्चन है, तो अभी मैं ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके लिए, जो इधर उधर होते हैं, और ये अगर आया तो बेटा ध्यान रखना विटामिन ई मारेगा बच्चा, ठीक है। फिर आपका ध्यान रखिएगा जो विटामिन होते हैं दोस्तों, पहली बात कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, कार्बोहाइड्रेट वसा और आपका प्रोटीन, ये आपको एनर्जी देता है, खनिज जो है वो भी एनर्जी देते हैं, लेकिन ध्यान रखना विटामिन आपके शरीर को क्या नहीं देते, एनर्जी नहीं देते, ठीक है, ये तो अलग अलग अंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। और दूसरा, विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक दोस्तों फैट सॉल्युबल होता है और एक वाटर सॉल्युबल होता है। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो आपके कीड़ा होते हैं, कीड़े में आपका विटामिन के ई डी ए, तो ये आप लोगों को पता ही है। वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन एच, बायोटीन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर विंसेंट चर्चिल, देखो ये क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में, ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, जैसे कि ये पहले के पूछे हुए क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये बंदा बड़ा बदनाम है, कौन, विंसेंट चर्चिल, जो विंसेंट चर्चिल के बारे में बता दें, ये भारत का बहुत तगड़ा विरोधी भी था। तो विंसेंट लियोनार्ड जो स्पेंसर चर्चिल है, इसको 1953 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, इसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका जो चर्चिल है, ये 1940 से लेकर 1945 ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा है, और फिर ये 1951 से 1955 तक ब्रिटेन का फिर प्रधानमंत्री रहा है, ठीक है, दो बार ये पीएम बना, ठीक है। ये वही चर्चिल है दोस्तों जिसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए थे तो उनको नेकेड फकीर कहा, गांधी जी को नंगा फकीर बोला था इसने, किसने, चर्चिल ने। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको इसको साहित्य के लिए क्या मिल चुका है, नोबेल अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, सभी को क्लियर है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद नई शिक्षा नीति की अध्यक्षता किसने की, ध्यान रखिएगा आपको मैं बता दूं, हाँ, नोबेल के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिए, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मैडम क्यूरी के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैडम क्यूरी कौन है, उनको कौन कौन से नोबेल अवार्ड मिले हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं, हाँ चर्चिल भारत विरोधी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सभी लोग क्लास में थोड़ा शेयर भी कर दिया करो भाई, है ना, शेयर नहीं करते हो आप लोग, है ना, चार डिसलाइक पहले दिख गए मेरे को, है ना, चार डिसलाइक पहले हैं यहाँ पे, डिसलाइक वाले कौन होते हैं भाई, ये कहां से आते हैं। चलिए यहां पर आपका क्वेश्चन क्या आया, ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से किसने नई शिक्षा नीति की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिए दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति आपकी 2020 में आई है, अभी मैंने आपको बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो भारत सरकार की आई है, उस एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों सब खत्म किया जा रहा है, जो आपका यूजीसी था वो भी, यूनियन ग्रांट कमीशन खत्म हो रहा है, आपका AICTE खत्म हो रहा है, आपका NCTE खत्म हो रहा है, सब खत्म कर रहे हैं लोग। तो वहां पर आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है दोस्तों, इस बार उसकी जो चीफ थी वो आपके केशव स्वामी कस्तूरी रंगन थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में शायद नहीं आया कहीं, तो आपको मैं बता दूं, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन जो आपके नए चीफ हैं, किसके, आपके नई शिक्षा नीति के 2020 के ये चीफ बने थे, ठीक है, अध्यक्ष बने थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको बोल ही रहा था, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूजीसी AICTE NCTE का युग क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है, अब ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। अगर हम यूजीसी की बात करें, किसकी बात करें, यूजीसी की बात करेंगे, तो यूजीसी का गठन हुआ था दोस्तों 1956 में, 1956 में यूनियन ग्रांट कमीशन, इसको बोलते थे दोस्तों यूनियन ग्रांट कमीशन, ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था, तो यूजीसी 1956 बना था, ठीक है। उसके बाद आपका AICTE आता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, ध्यान रखिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो था, ये दोस्तों भारत की आजादी से पहले बना था, आपका 1945 में बना, ठीक है। तो बाद में आपका AICTE के साथ ही NCERT भी जुड़ गया था, तो AICTE दोस्तों ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो कि 1945 में बना था, ये भी दोस्तों क्या हो रहा है, ये भी आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। और आपका जो NCTE है ये 1995 में बना था,
और एनसीटी है दोस्तों नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इसको टीचर्स एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब खत्म हो जाएंगे आपके नई शिक्षा नीति के तहत, और इसके लिए विशेष तौर पर वोकेशनल कोर्सेज भारत सरकार लेकर आएगी, जिससे कि बच्चे आगे चलकर क्या करें, वोकेशनल कोर्सेज के दम पर जॉब लेने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी भी अपने भारत में जो जॉबलेस जो भारत बोला जाता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सभी क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर आपका मैंने आपको ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि आपको ग्रुप डी में ऐसा आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। चंद्रयान एक ऐसी कहानी है जो हर एग्जाम में आनी है, ठीक है। चंद्रयान एक ऐसी कहानी है जो हर एग्जाम में आनी है और ये आएगी, ठीक है। तो सभी लोग दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, मिथिलेश जी यादव जी, अच्छा अच्छी बात है। चंद्रयान एक को लॉन्च करने के लिए प्रक्षेपण यान है, देखो ध्यान रखना, एक चंद्रयान एक है, एक चंद्रयान दो है, दोनों के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप क्या रखिए, याद रखिए कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि चंद्रयान एक का क्वेश्चन बना दिया, चंद्रयान एक को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो PSLV C-11 वो रॉकेट था जिस रॉकेट से सतीश धवन जो पैड था, जो आंध्र प्रदेश सतीश धवन पैड से इसको लॉन्च किया गया था, PSLV C-11 से इसको लॉन्च किया गया था। और जाने की दोस्तों जो ये PSLV से लॉन्च किया गया, ये आपका लॉन्च किया गया था कब, ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008 को आपके रात के 12:52 पे इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा जो आपका ये टोटल जो इसका एंड मिशन था, ध्यान रखिएगा इसका जो एंड मिशन था, ये PSLV C-11 है, जो लास्ट कॉन्टेक्ट इससे हुआ है वो दोस्तों 28 अगस्त 2009 को हुआ, उसके बाद इसका कॉन्टेक्ट टूट गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर कौन था, इसरो थी, जिसका गठन दोस्तों 1969 में हुआ, जो कि बैंगलोर में ही है। लॉन्चिंग साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर, आपका जो सेकंड पैड था वहां से किया गया था। रॉकेट का नाम PSLV XLC-11 था, ठीक है, PSLV XLC-11 था। अब हो सकता है आपसे चंद्रयान 2 पूछे जाए, तो हो सकता है चंद्रयान अगर 2 पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये कब लॉन्च हुआ था, ये आपका 22 जुलाई 2019 को क्या हुआ था लॉन्च, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 2019 को आपका क्या लॉन्च हुआ था दोस्तों, आपका चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, और चंद्रयान 2 जो था ये आपका जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था GSLV से। किसे लॉन्च हुआ था, ये GSLV रॉकेट से लॉन्च हुआ था, जिसका पूरा नाम क्या था दोस्तों, GSLV Mark III। और ये क्या था आपका, PSLV XLC-11 था, ठीक है। तो GSLV Mark III MI जो था ये रॉकेट है किसका, चंद्रयान 2 का, ठीक है। और ये भी फेल हो गया, हमारे कोई भी चंद्रयान के मिशन अभी तक सफल नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि त्याग दी थी। तो यहां से क्वेश्चन दोस्तों दो ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, RN टैगोर, ठीक है, जिनको की नोबेल अवार्ड मिला था, तो उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, ठीक है। और आपके जो गांधी जी थे जिनको केसरे हिंद, जिनको आपका वो बोला जाता था क्या, आपको जो क्या बोलते हैं, जो गांधी महात्मा की उपाधि जो गांधी जी ने दी थी, तो ध्यान किया यहां पर आपका क्या हुआ, आपका जो RN टैगोर थे, ध्यान किया RN टैगोर ने कौन सी उपाधि छोड़ी थी दोस्तों, ये एग्जाम में आया भी है और फिर से आएगा, नाइटहुड की उपाधि छोड़ी थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी, कौन से कांड के दौरान इन्होंने उपाधि थी, ये आपका इन्होंने छोड़ी थी उपाधि आपके जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड किसके विरोध में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा लगी थी, वो सभा सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुई थी, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुई थी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मैं आपको बता दूं यहां पर क्वेश्चन और क्या आता है, जो जलियांवाला बाग जो सभा लगी वो आपका सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुई, एक। ये सब बवाल किसका है दोस्तों, ये सब बवाल है रॉलेट एक्ट, भारत में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 में, जिस एक्ट के विरोध में ही हमने क्या किया था, हम लोगों ने विरोध किया, फिर बाद में आपका सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल ने विरोध किया, वो जेल गए और फिर जलियांवाला बाग में सभा लगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी जलियांवाला बाग से संबंधित एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, जो आपको मैं बता दूं, हंटर कमीशन, लॉर्ड विलियम हंटर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी अध्यक्षता में एक हंटर कमीशन बनाया गया था, जो कि भारत में जलियांवाला बाग कांड की जांच करने के लिए बनाया गया, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और ऐसे ये बाबू टाइप क्वेश्चन ये एग्जाम में आए करते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। चांदी काला क्यों पड़ जाता है, तो चांदी काला क्यों पड़ता है, क्योंकि सिल्वर क्या करता है, सिल्वर हवा में
जो हवा में जितना सल्फाइड पाया जाता है किसी भी रूप में पाया जाए, तो अगर हम क्या करेंगे, सिल्वर कहीं रखा है, सिल्वर अगर दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या कर देगा, रिएक्ट कर देगा, तो ये रिएक्शन करते ही सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, और सिल्वर सल्फाइड बनाने की वजह से कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। तो यही कारण है कि आप इसी को आप कोरोजन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। कोरोजन की जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, वो रस्टिंग जो हो जाती है, हवा की उपस्थिति में बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो रस्टिंग कर जाते हैं, सारे ही करते हैं। वैसे ही सिल्वर जो है दोस्तों, ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करने के बाद सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये कैसा पड़ जाता है, ये काला पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस जो आपका जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम दोस्तों बोलते हैं कोरोजन, क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं, ये पुराने क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो जनरली जो वेब ब्राउजर होते हैं, तो जो वेब ब्राउजर होते हैं दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम जो है वेब ब्राउजर है, सफारी के बारे में ध्यान रखिएगा। सफारी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन शायद सफारी आपका एप्पल का है, एप्पल का ब्राउजर है, जिसको बोलते हैं क्या, सफारी कहते हैं। फायरफॉक्स हम लोगों ने बहुत यूज किया है, ओपेरा हम लोगों ने बहुत यूज किया है, यूसी ब्राउजर जो है आपका ये बैन हो चुका है इंडिया में, ठीक है, ये बैन हो चुका है। और दोस्तों एक पांडा, ये जानबूझ के लिखा मैंने, ये वेब ब्राउजर नहीं, कई बच्चे बोलते हैं वेब ब्राउजर, मैं आपको पांडा के बारे में बता दूं दोस्तों, ये एंटीवायरस, ठीक है। आपका जो पांडा है दोस्तों, ये आपका एक एंटीवायरस है, कई बार इसको लोग वेब ब्राउजर के रूप में ले लेते हैं, लेकिन पांडा जो है दोस्तों क्या है, एंटीवायरस है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, अभी भी ये आ सकते हैं, ठीक है, सभी का क्लियर है। नेक्स्ट, चीन में पहला नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया था। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को ईयर नहीं आता इसका, लेकिन मैं उस समय पढ़ाई मैंने स्टार्ट की थी, मुझे इस बंदे का नाम याद है, इसको बोलते हैं लियो शियाओबो, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तब मैंने 2010 है या 11 है, इतना मुझे एग्जैक्ट क्लियर है कि 2010 या 11 है, लियो शियाओबो, आपको बताएं, ये चाइना का एक लोकतांत्रिक नेता है, और ये चाइना के लोकतांत्रिक नेता ने दोस्तों 1989 में, मतलब मेरे जन्म से लगभग दो साल पहले की बात है, कि मेरे जन्म से लगभग दो तीन साल पहले की बात है, कि 1989 में लियो शियाओबो ने चाइना में दोस्तों आंदोलन किया था, और यह आंदोलन था लोकतांत्रिक आंदोलन था, कि चाइना में जनता का शासन आना चाहिए, जैसे हमारा राजपथ है दिल्ली में, वैसे वहां पर दोस्तों उनकी जो परेड होती है वो होती है थियानमेन स्क्वायर में। थियानमेन स्क्वायर इंडिया के राजपथ की तरह चाइना में बना है, जहां उनकी आर्मी की परेड होती है। इस थियानमेन स्क्वायर पर चाइना में आंदोलन किया था किसने, लियो शियाओबो ने 1989। तब से लेकर आज तक, आज भी यह बंदा जिंदा है और चाइना की जेल में बंद है। इस बंदे को सन 2010 में या 11 में, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं, इसको आप एक बार देख लेना, 2010 या 11 में इसको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, और चाइना की गवर्नमेंट ने इसको खबर भेज दी कि तुम नहीं जाओगे, और ये जा भी नहीं पाया। आपको बताएं, चाइना की गवर्नमेंट ने लियो शियाओबो को जाने भी नहीं दिया शांति का पुरस्कार लेने के लिए, और ये चाइना का पहला बंदा था जिसको शांति का पुरस्कार मिला था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी का क्लियर है। हाँ, पांडा बेटा एनिमल भी है, पांडा एनिमल भी है, ध्यान रखिए। हाँ, पांडा एनिमल भी है, आपका सिक्किम में पांडा रेड पांडा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है। तो लियो शियाओबो का नाम ध्यान रखिएगा, ईयर इसका जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, नहीं है। तो ध्यान रखिए, मैं आपको ऐसे एक क्वेश्चन लेकर आके हूँ, ये आप फिगर आप देख सकते हो, इस फिगर को आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मेरी स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, आपका जो हिमालय की जो नदियां हैं ये ऐसे आती है, ध्यान सुनो, देखो आपको मैं ऐसे याद करा देता हूं, ये देखिए, आप इस तरीके से फिगर अगर हिमालय बना लेंगे तो ये ऊपर की नदी हो जाएगी झेलम, उसके नीचे बहती है चेनाब, ठीक है, उसके नीचे बहती है रावी, उसके नीचे बहती है ब्यास, और उसके नीचे बहती है सतलज। ये हिमालय की मेन पांच नदियां हैं जो आगे जाकर सिंधु से मिल जाती हैं, इंडस से मिलने के बाद ये खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है ये मेन नदियां हैं कहां की, हमारी जम्मू कश्मीर और हिमाचल की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस बात में तुम्हें तो पता ही होगा कि आपका जो झेलम है और चेनाब है ये दोनों बेटा दिखती है कहां, जम्मू कश्मीर में दिखाई देती है। झेलम तो जम्मू कश्मीर से ही निकलती है, लेकिन चेनाब हिमाचल से निकलकर जम्मू कश्मीर में जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोमती नदी कहां है दोस्तों, गोमती नदी सभी को पता होना चाहिए, गोमती नदी आपकी कहां से निकलती है, गोमती नदी आपकी पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत के खीरी से निकलती है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ऐसे तीन नदियां हैं, तीन नदियों में एक आपके गोमती है, एक घाघरा है और एक गंडक है, ये इसी तरीके से बहती है।
ये दोस्तों पीलीभीत के खीरी से निकलती है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। घाघरा और गंडक जो है ये दोनों आपकी नेपाल से निकलती है, ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, क्या लड़की किस गुणसूत्र के कारण पैदा होती है। तो पहली बात तो ये होती है, तो सभी को पता ही आप है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स। हमारे जो सेल होते हैं, सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स नाम की लकीरें पाई जाती हैं। क्रोमोसोम्स मेल में कितने होते हैं दोस्तों, मेल में आपके 23 जोड़ी यानी कि 46 होते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी यानी कि 46। और मेल में दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स होता है और वाई। फीमेल में कौन सा होता है दोस्तों, फीमेल में आपका एक्स और एक्स होता है, ठीक है। अब अगर एक्स वाई आएगा, अगर पुरुष ने एक्स दिया, फीमेल का एक्स है, तो वहां पर आपका क्या होगा, लड़का होगा। अगर आपका जो 23वां जो गुणसूत्र है वो आपका जो इनके में जो आपका एक्स और एक्स होगा वो क्या होगी, फीमेल होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये चीजें हम लोग आगे के साइंस के क्वेश्चंस में ज्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपका जो फिगर बना है देखो, ये आप दिख रहा है आपका एक्स और एक्स होगा तो क्या होगा, सामान्य पुत्री होगी। एक्स और वाई होगा तो सामान्य पुत्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दोस्तों आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला जो था वो SLV था। ध्यान रखिएगा, पैसे पहले आपका आपको जो SLV लॉन्च किए गए थे, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होते थे, वो हटाकर आपका PSLV आए। पहले SLV चलते थे, फिर PSLV चलने लगे, और अब दोस्तों चलने लगे GSLV, ठीक है। ये वर्जन है, अपडेटेड वर्जन। तो पहला इंडिया का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग जो व्हीकल था वो था SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 जो था SLV 3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था, जो 22 मीटर की ऊंचाई के साथ 17 टन वजनी एक ठोस और चार चरण का वाहन था, ठीक है, क्लियर है। और लो अर्थ ऑर्बिट में इसको 40 किलोमीटर तक पेलोड रखने में सक्षम था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया का पहला SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा है, लॉन्च व्हीकल 3 है, ठीक है। सभी का क्लियर है, तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे, सभी लोग क्लास को मन लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि क्लास को शेयर करते रहा करिए, ताकि आप लोग क्लास अच्छे से चलती रहे, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं क्लास बहुत अच्छे से चले तो आप लोग क्लास शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर क्लास शेयर नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। करंट अफेयर सुबह रोज आ रही है, अभी मैं जा रहा हूँ, क्लास के बाद आपकी करंट अफेयर तैयार करूंगा, फिर आपके लिए अपलोड कराऊंगा, सुबह आपकी करंट अफेयर आएगी। तो अगर इतनी मेहनत हो रही है दोस्तों, तो आप लोग से प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहा करिए, ठीक है। तो ये श्याम जी की बात को सुन लीजिए, श्याम जी वोटिंग के लिए बोल रहे हैं। श्याम जी ने कुछ फोटोग्राफरी का कुछ है, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने मेरे को मैसेज किया था, कुछ मैंने कुछ मेरे को याद नहीं है, श्याम जी आपने क्या मैसेज किया, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर देखिए, हाँ ध्यान रखिएगा, ये श्याम जी का है कि श्याम जी का, सभी लोगों को मैं बोल दू, ये फोटोशूट में सेलेक्ट हो गई है इनकी जो फोटोज हैं, तो उनके लिए आप लोगों को शेयर करना है। तो आप लोगों को, आप लोग सर्च मारेंगे वोट फॉर अनामिका वर्मा showofclicks.com, तो आप उस पर शेयर कर दीजिएगा उसको, तो वो जरा ध्यान से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों।